अश्विनी जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, कैसे हैं? नमस्कार। देखा मैंने अश्विनी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत दिनों बाद। नमस्कार नमस्कार वासने जी। नमस्कार इंद्रनील जी। हेलो डॉक्टर अश्विनी। नमस्कार डॉक्टर बासुया। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्कार। डॉक्टर सुनील मिश्रा आज हमारे संचालक हैं। दिखाई पड़ा लाइव करके, सेशन को लाइव कर लीजिए थोड़ा सा। सुनील जी, हाँ अब ठीक, अब जरा ठीक हुए, जरा ऊंचे हो गए। हाँ ये तो चश्मे के ऊपर का हिस्सा से लाइव कर लीजिए। जी जी सर, कर रहे हैं, प्रयास कर रहा हूँ सर। डॉक्टर ओझा, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर ओझा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर अवस्थी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। अशोक जी को प्रणाम। जय श्री राम। गणेश जी हो गए, विपुल जी दिखाई पड़ रहे हैं, मीनाक्षी जी दिखाई पड़ रही है, लेकिन वीडियो ऑफ है इनका। और मनीष भारती जी जुड़ गए दिल्ली से, और डॉक्टर रीता खन्ना। हाँ अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। सभी लोगों का आज के आरोग्य भारती काशी प्रांत के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के कार्यक्रम हृदय रोग जानकारी एवं बचाव। संभवतः देश के अन्य प्रांतों से भी बहुत सारे चिकित्सक एवं आरोग्य भारती के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आरोग्य भारती काशी प्रांत उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। आज हम सभी को आरोग्य हृदय रोग की जानकारी एवं बचाव के उपाय अलग अलग पैथियों के चिकित्सकों द्वारा सुनने को मिलेगा। विशेषज्ञ चर्चा के बाद प्रश्नकाल का भी अवधि होगा, जिसमें हम अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। समय की कुछ बाध्यता रहती है, फिर भी कुछ प्रश्नों को लिया जा सकता है। अन्य समाधान विशेषज्ञ से संपर्क कर भविष्य में किसी गंभीर समस्या का किया जा सकता है। आज का कार्यक्रम हृदय रोग की जानकारी एवं बचाव से संबंधित है। हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस महत्वपूर्ण अंग के बारे में हमें जानकारी या कभी उसमें कुछ खराबी हो या उसके रखरखाव एवं बचाव से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। हृदय रोग आज भारत में ज्यादातर लोगों की मौत का कारण बन गया है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 1000 लोगों में से 272 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हो जाती है, और यह आंकड़े अगले 26 सालों में दोगुना हो सकते हैं, तो इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह आंकड़े हृदय रोग की स्थिति को व्यक्त करने के लिए काफी हैं। इसी कारण लोगों को हृदय रोग की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे समय रहते इस समस्या से बच सकें और बेहतर जिंदगी को जी सकें। क्या आपको हृदय रोग की प्राप्त जानकारी है?
कभी कभी हमें गलत फहमी रहती है, जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी रहती है और हम उसके उपचार समय पर नहीं कर पाते हैं और असमय काल कल्पित हो सकते हैं। बदलती जीवन शैली, शारीरिक श्रम से दूरी और धूम्रपान से आज युवाओं में भी हृदय के रोग होने लगे हैं। ऐसे में सभी को यह जानना चाहिए कि हृदय की बीमारी होने के कारण क्या है, इनके लक्षण क्या हो सकते हैं और इनसे बचाव कैसे हो सकता है। कई प्रश्न मन में आते हैं, जैसे हृदय रोग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हृदय रोग के कारण क्या हो सकते हैं, रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं, दिल की बीमारी का उपचार किन तरीकों से किया जा सकता है, हृदय रोग में किस तरह का भोजन करना चाहिए। आवाज जी मुझे आ रही है आवाज जी। तो सुनील जी कह रहे थे कि हृदय रोग में बहुत सारे इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं। सुनील जी आते हैं तो आप मेरी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा, लग रहा नेटवर्क इशू है। तो सुनील जी कह रहे थे कि हृदय रोग में बहुत सारे इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जिसे हैं कहते हैं हम लोग, यानी रोग से बचाव एवं उपचार की विधियां। इंटरवेंशन का मतलब यह नहीं सिर्फ इलाज, इंटरवेंशन का मतलब होता है प्रिवेंशन भी, अर्थात बचाव एवं उपचार, उपचार में इलाज भी आ जाता है। तो कई सारी विधियां हैं, जैसा कि डॉक्टर सुनील कह रहे थे, भारत में 272 मौत होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रति 1,00,000 पॉपुलेशन में, और आपको जान के हैरत होगी कि ये आंकड़ा विश्व में 235 है ग्लोबली और भारत में 272 है, जो कि काफी ज्यादा है। और ये भी देखा गया है कि जो भी मौतें होती है भारत में 1/4 में से कार्डियोवास्कुलर डेथ की वजह से है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी भारत में मौत हो रही है उसके 1/4 कारण कार्डियोवास्कुलर डेथ है। आपको 50 साल पहले जो मौतें होती थी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से नहीं होती थी, ज्यादातर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज से होती थी, मीजल से होती थी, डायरिया से होता था, स्मॉल पॉक्स से होता था, प्लेग से होता था, इसके अलावा मातृत्व जनित बीमारियों से भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये ट्रेंड रिवर्स होता गया, यानी अब इन्फेक्शस डिजीज से मौतें उतने नहीं होती है जितने की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी फेलियर, कैंसर इत्यादि। तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में 2/3 कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होती है, यानी हृदय रोग संबंधित बीमारियों से होती है। और ये देखा गया है कि जो मौतें हो रही हैं भारत में कुछ पिक्यूलियर है, कुछ अजीबोगरीब स्थिति है हृदय रोग के संबंध में पूरे विश्व के संदर्भ में, कि पाश्चात्य देशों से के मुकाबले में भारत में थोड़ा जल्दी ये बीमारी आने की संभावना दिखती है, जिसे कहते हैं अर्ली एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज। और ये देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप और यूएसए में, जो कि 70 साल के कम उम्र में 23% लोग को हार्ट की बीमारी होती है, भारत में ये 52% है। तो 23 के मुकाबले में 70 साल के कम उम्र में
52% है, यानी कम एज ग्रुप में ये विदेशों से ज्यादा हमारे देश में हुआ करता है। इसके अलावा क्या है कि मौत का आंकड़ा, एक तो अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज है, मौत का आंकड़ा यानी फेटेलिटी हमारे देश में ज्यादा है, और एक्सीलरेटेड बिल्डअप होता है, यानी जल्दी जल्दी ये बीमारी प्रोग्रेस करता है। किसी को अगर शुरुआत हुआ तो 5 साल के अंदर भी ये प्रोग्रेस कर सकता है सीवियर डिजीज में, तो जल्दी जल्दी ये प्रोग्रेस करता है। एक चीज और देखा गया है कि जो कम आयु वर्ग, कम आय वर्ग के लोग हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भारत में, उनमें भी पहले कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होता था, लेकिन अभी हृदय रोग भी ज्यादा पाया जाने लगा है। तो ये गलत धारणा है कि हृदय रोग कम आय वर्ग में नहीं हो सकता या गांव में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और उसका कारण ये है कि भारत में कुछ दशकों से तंबाकू सेवन बढ़ गया है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ गया है, फल और सब्जी का सेवन भारत में थोड़ा कम होता है पाश्चात्य देशों के मुकाबले में, इलाज भी थोड़ा सा कम प्राप्त होता है, या तो महंगे होने की वजह से या डॉक्टर की अनुपलब्धता की वजह से। तो इस वजह से भारत में एक हार्ट डिजीज का, जैसे कि कहते हैं, एपिडेमिक सा हो गया। आप कोरोना एपिडेमिक है, लेकिन हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज एन एपिडेमिक इन इंडिया, क्योंकि देखा गया है कि जैसे कि यूएसए का अगर आंकड़ा मैं ले रहा हूं, वो कि पिछले 20-25 सालों में 41% घटा है हृदय रोग। ऑन द अदर हैंड भारत में ये 34% बढ़ा है, तो एकदम उल्टा हो गया है। और इस एपिडेमिक को कैसे हम लोग बचाव कर पाए, काउंटर कर पाए, एविडेंस बेस्ड हम लोग को पॉलिसी बनाना पड़ेगा, कैसे हृदय रोग हम लोग टैकल करें, इसका क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा, स्वास्थ्य तंत्र को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, बचाव पर ज्यादा जोर डालना पड़ेगा, शीघ्र जांच यानी अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, पारंपरिक व अभिनव पद्धतियों द्वारा चिकित्सा के ऊपर ज्यादा बल देना पड़ेगा, स्वस्थ जीवन शैली पर ज्यादा बल देना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं, मैं सुनील जी के अनुपस्थिति में उनका थोड़ा सा फिल इन कर रहा था, अब मैं वापस सुनील जी को संचालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, थोड़ा सा टेक्निकल फेसबुक लाइव वगैरह करने में ध्यान उतर गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो है काशी प्रांत के सह सचिव डॉक्टर विपुल नारायण जी भगवान धन्वंतरी जी की आराधना करें, उसके पश्चात ही हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। अभी औपचारिक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। डॉक्टर विपुल नारायण जी प्लीज अपना हाथ उठाइए आप। यस, अपने आप को अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। नमामि धन्वन्तरिपादिदेवं सुरासुरवन्दिति पादपद्मं लोके जरारुक्मिणेत्सुनाथं दातारमीशं विदोषदीना न त्वहं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां नाम। धन्यवाद भाई साहब। मैं माननीय सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि आप अपना कार्यक्रम आगे संचालित करें। डॉक्टर सुनील मिश्रा सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कनेक्ट करिए सर, वॉइस कनेक्ट करिए, आपकी आवाज नहीं, आपका माइक कनेक्ट नहीं है सर, आपका माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ सर, ऑडियो नहीं कनेक्ट है आपका। शायद उनसे संपर्क, अभी सर का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री डॉक्टर अशोक भाई वाशरने साहब का आह्वान करता हूं कि भाई साहब आए और अपने आशीर्वचनों से और आज के इस कार्यक्रम पे हृदय रोग पे अपने विचार रखें। माननीय डॉक्टर अशोक वाशरने जी भाई साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरोग्य भारती जी, भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब अपने आप को। जी भाई, कार्यक्रम में उपस्थित
काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी और दूसरे वक्ता वो भी प्रांत के अध्यक्ष है डॉक्टर अश्विनी मेहता जी, दिल्ली प्रांत के आरोग्य भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे सभी हैं प्रोफेसर एस एन ओझा जी और एक वक्ता के रूप में है डॉक्टर जीपी अवस्थी जी, वैसे विभाग संयोजक हैं। एक और प्रांत के अध्यक्ष अपने साथ जुड़े हैं, पूर्वी उड़ीसा के प्रांत अध्यक्ष है डॉक्टर पवित्र कुमार मोहंती जी, वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, नमस्कार। हमारे दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष भी जुड़े हैं डॉक्टर मनीष भारती जी, अभी उनका वीडियो ऑन नहीं है लेकिन है यहाँ पर। और ये डॉक्टर रीता खन्ना जी, अगर ये वही है दिल्ली की तो ये भी महिला प्रमुख है वहां की। बाकी मैं देख रहा हूँ डॉक्टर विपुल जी, सुनील जी, डॉक्टर शशि जी लखनऊ से जुड़ी हैं, अभिषेक जी सुल्तानपुर से हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी अमीनाक्षी जी काशी से हैं, सभी को नमस्कार। मैं बाकी तो सभी चिकित्सक हैं, मैं ही एक बिना चिकित्सा वाला व्यक्ति हूँ सबके बीच में। तो मैं अपनी बात रखूंगा, जैसा भी डॉक्टर इंद्रनील जी ने भूमिका में विषय रखा था कि अभी कोरोना का कालखंड है, एपिडेमिक डिसीज है और हम सबके जीवन में पहली बार आई है, पहले कभी भी नहीं आई क्योंकि 100 वर्ष पहले थी, बल्कि उन बीमारियों को समाप्त माने लगभग समाप्त करने के बाद अभी जिनका प्रभाव है, जिनकी चर्चा कर रहे थे, वह नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और उसका भी कारण है जैसा वे चर्चा कर रहे थे कि इधर के वर्षों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा विकास हुआ है, उसके कारण से लाइफस्टाइल में बदल हुआ है, दिनचर्या बदल गई है, खान पान भी बदल गया है, रहन सहन भी बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अधिक आ गए तो उनके अनुसार जीवन हो गया है। जो पहले कभी संयुक्त परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, वे न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पहले जहां परिवार बड़े थे, कंबाइंड सोसाइटी थी, तो कॉम्प्लीमेंट्री भाव था, अभी वो कॉम्पिटिटिव भाव में आ गया है और जिसके कारण से कि इन सब के कारण से स्ट्रेस भी होने लगा है और उन सब चीजों का प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। बहुत सारी चीजें जो नेचुरल हम प्रयोग करते थे अब आर्टिफिशियल फॉर्म में आ गई हैं। पहले स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता था, आज वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया है। पहले जो आहार विहार में सीजनल, रीजनल, लोकल, इसका लोग ध्यान रखते थे, आज विज्ञान के कारण पूरे वर्ष भर हर चीज खाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज ये लाइफस्टाइल डिसीजेस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे कुछ लाभ भी हुए हैं, लोगों की स्पीड बढ़ गई है, लोगों की जानकारी बढ़ गई है, लोगों का जानकारी का स्पेक्ट्रम बढ़ गया है, नए नए इन्वेंशंस भी हो गए हैं। जैसे यहां पॉजिटिव वे है वैसे नेगेटिव भी है कि तनाव, भोगवादी जीवन शैली, खान पान, कॉम्पिटिटिव लाइफ, इन सबके कारण से आज 70% रोग यह जीवन शैली से जुड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, तनाव के कारण से भी 60% रोग होते हैं। आरोग्य भारती ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करते हैं। सामान्य रूप से दो प्रकार के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, एक है रोग होने के पश्चात हम सावधानी बताते हैं, अभी यहां चर्चा में आएगा कि रोग हो जाए तो क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए,
अच्छा वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं रहा होगा, ठीक है ठीक है। रोग, हाँ सुनील जी, रोग होने से पहले क्या क्या सावधानी हो सकती है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आरोग्य भारती जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये जो पहला भाग है इस पर काम करती है। एलोपैथिक सिस्टम में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे जैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे वैसे वैसे उपचार होगा, लेकिन होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं क्या? कुछ स्थानों पर अलग अलग प्रकार से कुछ विषयों को जोड़कर ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। अभी शायद डॉक्टर अश्विनी जी बताएंगे कि वह कैसे मेडिटेशन को कार्डियोलॉजी के साथ जोड़ करके ट्रीटमेंट करते हैं और उसका परिणाम देखते हैं। फिर दूसरी थेरेपीज रहती हैं, वे भी कई बार प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में सहायक होती है। ऑक्यूपंचर है, ऑक्यूप्रेशर है, सुडोकू है, रेकी है, ये ऐसी पद्धतियां हैं कि जिनमें ओरल मेडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति को जानकारी है तो थोड़ा बचाव कर सकता है, और इसलिए इनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। और एक पहलू है कि केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्यों, अगर हम गहराई में जाएंगे तो व्यक्ति को रोग क्यों हो रहा है, व्यक्ति को रोग क्यों हो रहा है क्यों का कारण अगर हमने खोजना शुरू किया तो हमको पता लगेगा कि उसकी लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो वह काफी कुछ कवर अप कर सकता है। एक दूसरा पहलू और भी आता है, आयुर्वेद में होम्योपैथी में उसका कंसिडरेशन करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडर्न मेडिसिन में करते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। कई बार एक ही दवा एक ही प्रकार के सिम्टम में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है, क्यों? उस व्यक्ति की प्रकृति अलग है। मॉडर्न मेडिसिन में जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति का जेनेटिक स्ट्रक्चर जीनोम, यह अलग अलग है। ये जो जीनोम अलग अलग है यह उसके कारण से एक ही दवा एक ही लक्षण होते हुए भी अलग अलग प्रकार से उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है, और इसीलिए अभी मॉडर्न सिस्टम में पर्सनलाइज मेडिकेशन का विषय चर्चा में आने लगा है। आयुर्वेद में उसी को हम बोलते हैं, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। दिल्ली में एक एनजीओ ने पिछले दिनों आईसीएमआर के सहयोग से दोनों को मिलाकर एक काम शुरू किया, आयुर्जीनोमिक्स नाम दिया उसका। आईसीएमआर ने उनको एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और उन्होंने सभी सांसदों का प्रोफाइल तैयार किया और समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों का भी प्रोफाइल तैयार किया। अभी मैं यहां तो नहीं बता सकता उसका रिजल्ट, लेकिन कोलकाता में जो वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन किया था कि किस तरह की प्रकृति के लोगों में किस तरह का रोग दिखाई पड़े और क्या नेचर दिखलाई पड़े। तो वास्तव में यह आवश्यकता अनुभव होती है। एक पहलू और ध्यान में आता है, हम कहां कहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, यह भी है। हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लेते हैं, अलग अलग प्रकार से लेते हैं, क्या नाड़ी परीक्षण के लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है क्या? अगर कहीं है तो होने से शायद उसमें कुछ नए चिकित्सकों को सुविधा होगी अनुभव प्राप्त करने में, एक प्रकार है सोच है। और इसीलिए इन हृदय रोगों से अगर हमको ठीक रहना है तो खान पान कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिविटी कैसे डेवलप करना, किस किस तरह की कंडीशंस में सिचुएशन में कैसे सोचना, प्राणायाम ध्यान मौन जप ये कैसे इसमें सहायक हो सकते हैं, यह और एक पहलू है। और इसीलिए और उससे भी बड़ी चीज है जो हमारी टैगलाइन बननी चाहिए कि सोशल अवेयरनेस, कि हम सोशल अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं,
माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब यह भाव समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आएगा तो वह सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार के कामों को, कार्यों को करते हुए अपने को स्वस्थ रख सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता होती है कि हम माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इस भाव को जागृत करके समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करें, तो उसकी जीवन शैली, खान पान, आचरण, विचार, इसमें बदल आएगा, तो हम इन जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, एनसीडीज है, इनमें कुछ मात्रा में कमी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमने इन इस दिशा में थोड़ा सा विचार किया तो कुछ हम सार्थक पहल कर सकते हैं। मुझे लगता है इस विषय की प्रास्ताविक के बाद एक सोशल साइट होने के नाते से जो एक विचार हो सकते हैं वो व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सचिव महोदय, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कृपया अपने आपको अनम्यूट करिए। जी सर। ठीक है, धन्यवाद अवनीश जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अच्छा हम लोगों का मार्गदर्शन किया। बीच में कुछ कनेक्टिविटी में व्यवधान के कारण हम लोगों ने जो अपने मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम बनाए थे उसके हिसाब से नहीं चल सके, लेकिन अब मैं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आरोग्य भारती काशी प्रांत की डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो आज अपने इस राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित अपने अतिथियों का परिचय दें संक्षिप्त रूप से। डॉक्टर मीनाक्षी जी। यस मैम, अपने आपको अनम्यूट करिए प्लीज। यस मैम। यस, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। मैं डॉक्टर मीनाक्षी, आरोग्य भारती काशी प्रांत की तरफ से सभी माननीय जन का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर अशोक वाशने जी का सर्वप्रथम स्वागत है, अभी हम लोगों ने उनको सुना भी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ अध्यापन कार्य से जुड़े रहे, और फिर उन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़कर राष्ट्रीय सेवा कार्य के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। और 15 वर्षों तक वो झारखंड और कानपुर के प्रचारक के रूप में अपना मार्गदर्शन देते रहे, और 2012 से वो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। मुझे भी एक बार अवसर मिला था उनको सुनने का, और उस बहुत कम समय में मैंने एक बहुत छोटी सी चीज और बहुत प्रभावी चीज सीखी उनसे कि कैसे प्रिसाइसली प्लानिंग और मॉनिटरिंग आप करके बहुत कम टाइम में बड़ा आउटपुट ले सकते हैं। हो सकता है मेरे शब्दों का चयन कुछ इधर उधर हो, मगर ये बात मेरे दिमाग में उस दिन बहुत अच्छी तरीके से बैठी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, जो कि MBBS MD हैं BHU से एंड DM कार्डियोलॉजी फ्रॉम KGMC लखनऊ। उनके 50 से अधिक जर्नल्स में, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, और वो हार्ट इंडिया जर्नल के चीफ एडिटर भी हैं, एसोसिएट ऑफ फिजिशियन सेक्रेटरी हैं, और अभी वो अपने क्लिनिक वाराणसी में ही प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेबिनार में, हम सभी लोग आपसे सुनेंगे, कुछ हमें सीखने को मिलेगा आपसे। इसके बाद हम चलते हैं प्रोफेसर सत्यनारायण नारायण ओझा जी की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप MD हैं काया चिकित्सा में, आयुर्वेद में PhD हैं, और महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, अन्ना साहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल
कॉलेज, आप वहाँ पे प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैं, 16 वर्षों से टीचिंग, और उसके बाद आपके पास डायरेक्टरशिप का पद है जिस पर आप लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, और आपकी जो एक्सपर्टीज है जिसके बारे में हम सभी को सुनने का अवसर आज प्राप्त होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन एक्सपर्टियल मेडिसिन, और इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी का, जो कि बैचलर ऑफ साइंस बीएससी किया है उन्होंने, होम्योपैथी में यूपी का जो फर्स्ट बैच था उसके गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं बीएचएमएस कोर्स के, और आपको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में फॉर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन होम्योपैथी, और अभी आप संस्कार भारती काशी प्रांत के प्रेसिडेंट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। अगले वक्ता है हमारे डॉक्टर अश्विनी मेहता जी, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और ही हैज बीन पार्ट ऑफ 25 इंटरनेशनल ट्रायल्स, और आपकी जो एक्सपर्टीज है जैसा मुझे जानकारी मिली और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोगों को एक नई चीज के बारे में यूनिक से इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी, कि आप हार्ट फेलियर और ट्रांसप्लांट में हृदय प्रत्यारोपण के बारे में आप अपने विचार रखेंगे, आपकी एक्सपर्टीज है, बहुत लंबे वर्षों से आप उसमें कार्य कर रहे हैं, और विशेष बात यह है कि आप योगा और मेडिटेशन हमारे हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकता है इस पर आपका काफी लंबा योगदान रहा है, और इसके बारे में आज आपसे हमको सुनने का अवसर प्राप्त होगा, और आपका एक परिचय यह भी है जो भी डॉक्टर अशोक जी ने भी बताया कि आप दिल्ली प्रांत आरोग्य भारती के प्रेसिडेंट भी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, पीजीसीडी उन्होंने किया है डायबिटोलॉजी में फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी, और एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ यूएसए एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के मेंबर हैं, एंड ही हैज डन 38 क्लिनिकल ट्रायल्स, उसका वो हिस्सा रहे जिसमें स्पेशली स्वाइन फ्लू, डेंगी, एंटी डायबिटिक्स वगैरह जैसी बीमारियां हैं, साथ ही आपके 30 नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, और एक 2 दशकों से करीब हुआ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो कि वाराणसी में स्थित है वहां पर एज ए कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप आईमेड हेल्थ केयर के डायरेक्टर भी हैं, आपको चिकित्सा भूषण और वर्ल्ड पीस से सम्मानित किया गया, और आप आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आपके नेतृत्व में काशी प्रांत काफी अच्छे अच्छे सक्रिय कार्यक्रम कर रहा है, लोगों को जुड़ने का जानकारी का काफी मौका मिला है, आज उसी कड़ी में एक कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं, तो इसके बाद मैं डॉक्टर बसु जी को आमंत्रित करती हूँ वो अपना संभाषण प्रस्तुत करें, सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन, धन्यवाद। डॉक्टर बसु, आई एम हैंडिंग ओवर टू यू। डॉक्टर बसु, हाँ हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी जी, सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं अपना कुछ कुछ संभाषण पहले ही बोल चुका हूँ और ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, बस ये कहूंगा कि एक छोटी सी बात है कि एक सरकार का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, फिर हुआ सबका विश्वास, इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा सबका स्वास्थ्य। तो आरोग्य भारती सबके स्वास्थ्य के बढ़ोतरी के लिए व्रती है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ गांव, स्वस्थ शहर, स्वस्थ राष्ट्र। तो हमारा पूरा वातावरण वायुमंडल स्वस्थ रहे तो हम लोग भी स्वस्थ रहें, और हृदय के स्वास्थ्य के विषय में आज हम लोग नामी वक्ताओं से अलग अलग पहलुओं के बारे में सुनेंगे, एलोपैथी के विषय में, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कुछ डॉक्टर वाष्णे जी ने एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी की बातें भी कही। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए हमको बस एक चीज देखना है कि मरीजों के लिए खास तौर पर या पब्लिक के लिए कुछ सवाल वो अपने मन से कर लें, अंतर मन से कर लें कि क्या उनका कुछ सवाल है, वो अपने खुद सवाल पूछें अपने आप को और उसको उत्तर दें, और अगर उनको लगता है कि, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से, तो वो अपने आप से सवाल करें कि क्या उनका जो
खाना पीना है, आहार है, उसमें क्या हाई फैट इंटेक है, क्या उनके आहार में लो फ्रूट और वेजिटेबल इंटेक है, क्या वो ज्यादातर बैठे रहते हैं या एक्सरसाइज कम करते हैं, 30 मिनट प्रतिदिन हफ्ते में 5 दिन से कम करते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यदि हाँ तो रिस्क, क्या वो ओवरवेट है, उनका वजन ज्यादा है, क्या वो हेवी स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक्स करते हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। क्या उनके परिवार में किसी माता पिता भाई बहन में हृदय रोग था या है, इसको तो हम बदल नहीं सकते, इसे कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, लेकिन अगर है तो आप में रिस्क है। आप क्या डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है आपको, अगर है तो उसका इलाज अवश्य करें, क्योंकि इन दोनों के रहने से हृदय रोग की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। क्या आपको स्ट्रेस है, यदि है तो उसे भी दूर करना बहुत जरूरी है, और आज हम ऐसे विधियों के बारे में सुनेंगे डॉक्टर अश्विनी मेहता से, जो कि रिनाउंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो स्ट्रेस योग और मेडिटेशन द्वारा कैसे हृदय रोग पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव होता है, ये हम सुनेंगे। और बाकी वक्ताओं को मेरी तरफ से प्रणाम, डॉक्टर ओझा को, डॉक्टर आलोक को, डॉक्टर अवस्थी को। मैं अभी माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ अपने सचिव जी को आगे संचालन करने के लिए कार्यक्रम का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सारे जो श्रोता और गण हैं जूम पे व फेसबुक लाइव पे हैं, उनको काशी प्रांत आरोग्य भारती की तरफ से मेरा नमस्कार। डॉक्टर सुनील जी धन्यवाद सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर को। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक वक्ता से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जो लोग जूम पे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट वो लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में अपने मैसेज डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, और जितने भी लोग आयुष दर्पण पे लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे स्पीकर आपके सवालों के जवाब देंगे। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अश्विनी मेहता जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपका विषय योग एवं ध्यान से हृदय रोग का उपचार कैसे हो सकता है, योग ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, हम सब लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं। अब मैं बिना देर किए हुए डॉक्टर अश्विनी मेहता जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी लोगों का धन्यवाद। डॉक्टर अश्विनी बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आरोग्य भारती काशी प्रांत डॉक्टर अशोक वार्षणी जी का, कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है आज इस वेबिनार में जुड़ने का, और दिल्ली प्रांत के भी बहुत सारे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और बहुत सारे चिकित्सक भी जुड़े हैं अलग अलग माध्यमों से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्क्रीन को शेयर करने की अनुमति दीजिए ताकि मैं स्क्रीन से दिखा सकूं। यस सर, इनेबल कर दीजिए इसको। दोबारा से करिए इनेबल। हाँ थैंक यू। तो हम सब जानते हैं, मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमारे देश में हृदय रोग जो है एक बहुत बड़ी महामारी बन गया, और यही नहीं जो हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये एक बहुत बड़ी महामारी है। तो देखिए इन सब के पीछे क्या कारण है, हमारे मेरे से पहले डॉक्टर अशोक वार्षणेय जी ने बताया कि हमारी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, इसमें जो बदलाव आ रहा है वही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में पिछले 4 दशकों में हृदय रोग की संख्या, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की 4 से 5 गुना बढ़ गई है। और इन सभी को रोकने के लिए सिर्फ हमें दवाइयों की या एंजियोप्लास्टी करने की या हमें हार्ट के और बड़े बड़े प्रोसीजर्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है आरोग्य भारती का। जो मेन हमारा फोकस है, हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, और इन सब तो अगर हम एक नजर दौड़ाएं कि लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीजेस हैं क्या, लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीजेस आम भाषा में जो हम हार्ट की बीमारियां कहते हैं, जिनको हार्ट अटैक, एंजाइना कहा जाता है, ये सारी आती हैं, स्ट्रोक, पैरालिसिस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेस जिसमें गैंग्रीन, ये भी सब लाइफस्टाइल की वजह से है। और सबसे बड़ी बीमारी जो ओबेसिटी है, जो हम मोटापा, खासकर सेंट्रल बॉडी ओबेसिटी,
ये सबसे बड़ी बीमारी है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य प्रकार के कैंसर, तो हमारे देश में पहले हम सुनते थे कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, आज एक आम बीमारी होता जा रहा है। यही नहीं, चेस्ट की बीमारियां, COPD, अस्थमा, और ये बहुत कॉमन है, बच्चों में भी देखा जा रहा है। और उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन है हमारा लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ तक ये देखा गया है कि शहरों में 70% लोग 60 साल के बाद उनकी हड्डियों में कमजोरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है। माइग्रेन, PCOD, जो हमारी यंग जनरेशन है, खासकर यंग लड़कियां, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये तो सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनका मेन कारण हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन अगर हम जरा इस बात को ध्यान से देखें, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी का, इन सब बीमारियों का, आज का हमारी जीवन शैली की वजह से उत्पन्न होने वाला डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी है। और ये डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी कितना कॉमन है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टीमेट किया गया, उसमें ये माना जा रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति विश्व में या तो डिप्रेशन और या एंजाइटी से ग्रसित है। और ये क्या करती है डिप्रेशन एंजाइटी, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को लिमिट करती हैं, खाने पीने की आदतें बदलती हैं, और लोग ज्यादा शराब और टबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और इन सबसे मोटापा, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स और कैंसर्स इन्हीं वजह से बढ़ रहे हैं। तो ये क्या इसका एक सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो सिंपल है, हम सभी जानते हैं कि लाइफस्टाइल को बदलना है। पर क्या इतना आसान है लाइफस्टाइल बदलना? बहुत सारी स्टडीज की गई, एक बहुत बड़ी स्टडी की गई करीबन एक दशक पहले, जिसका नाम इंटर हार्ट स्टडी था। इस स्टडी में हमारे देश के भी बहुत सारे लोग थे, और ये देखा गया कि जो हृदय की बीमारियां हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं? आपको हैरानी होगी ये जान के, उसके अंदर जितना इंपॉर्टेंट रीजन स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उतना ही बड़ा कारण हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, साइकोसोशल स्ट्रेस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या इतना आसान है इन सबको बदलना? हम बात तो बहुत करते हैं कि लाइफस्टाइल बदल दीजिए, लेकिन करीबन पिछले 3 दशकों में 200 से ज्यादा स्टडीज हैं जिसमें कई लाख लोगों के ऊपर प्रयोग किए गए, और देखा गया कि लाइफस्टाइल चेंज करना आसान नहीं है। एक साल के 80% लोग जो अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करते हैं, वो अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका जवाब क्या है? इसका एक बहुत बड़ा और सरल उपाय आज के टाइम पे योग है। योग जो हमारे देश में जन्मा, और योग पे तो 1000 साल पहले हुई। देखिए, योग सूत्र लिखा गया पतंजलि जी द्वारा, और ये हमारे यहाँ प्रचलित था, पर हम धीरे 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 योग को भूल गए। पिछली सदी में और उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक फेमस अपना लेक्चर दिया था शिकागो में, जिसमें कहा था अराइज एंड अवेक, उन्होंने योग को पूरे विश्व के सामने एक और बार फिर से लेके आए, और वहीं से हमारे यहाँ फिर से दोबारा योग दोबारा प्रचलित हुआ। और बहुत सारी स्टडीज की गई हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। और योग, ये जो आज की मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से हमें बचाता है, और ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, कैसे हम स्ट्रेस को कम करें, कैसे हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ते जाएं। और यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। योग क्या है? योग क्या सिर्फ है या सिर्फ प्राणायाम करना है? नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन है, एक पूरा लाइफस्टाइल है, एक पूरा पैकेज है, एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है, जिसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, और मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं, साथ में स्पिरिचुअल टीचिंग भी है। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति की हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज डिफाइन करता है, ये सिर्फ बीमारियों का, फिजिकल डिजीजेस की एब्सेंस नहीं है, इट हैज टू बी मेंटल, सोशल, physical and also spiritual. All aspects of our life have to be okay. Only then we enjoy health. और यही असली health है,
योग आसन मुद्रा प्राणायाम तप इन सब के साथ मिलजुल के किया जाता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आज के तनाव को, आज के कलयुग के तनाव को हम पीछे छोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग भी साथ में कर सकते हैं। और क्या इसके अष्टांग योग जैसे हम कहते हैं, आठ इसके अलग अलग मेन पिलर्स हैं, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, आसन, पोस्चर, नियम हमने और मास, बाहर के डिसिप्लिन, ये सब बहुत जरूरी हैं, ध्यान, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, धारणा, कंसंट्रेशन, प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, क्या चीजें हमें नहीं करनी, और ये सब हमें हेल्प करती हैं अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य यूनियन एग्रीगेशन विद ऑलमाइटी समाधि ऑब्टेन करने में। तो यही हमारे सबका जीवन का लक्ष्य है कि हम निरोग रहें और आगे बढ़ते जाएं। तो क्या है हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस, क्या एविडेंस है, मैं इस एविडेंस के बारे में बहुत वोसिफेरसली बताना चाहूंगा और बहुत सारी स्टडीज जो इसके बारे में की गई हैं उन सब के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा मैंने रिसर्च की और बहुत सारी स्टडीज को इकट्ठा करने की कोशिश की है और मेडिटेशन और एंग्जाइटी के ऊपर टोटल अभी विश्व में जो बहुत प्रमाणित स्टडीज हैं करीबन 124 स्टडीज ऑलरेडी अवेलेबल, उसमें से जो कुछ मेन स्टडीज मेडिटेशन और योगा के ऊपर की गई एंग्जाइटी में, ये मैंने यहाँ टेबल में एक प्रस्तुत की हैं, और इन सभी की सभी स्टडीज में ये प्रमाणित किया गया कि मेडिटेशन करने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये कम होते हैं। और यही नहीं, एक स्टडी जो फ्रांस में पब्लिश हुई उसमें उन्होंने देखा कि इसके साथ साथ बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, अवेकनिंग रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी में, ईईजी में, इन सब में इम्प्रूवमेंट देखी गई। और ये इम्प्रूवमेंट पूरे विश्व में 124 स्टडीज हैं जो आज अवेलेबल हैं और ये सब में प्रमाणित किया गया। यही नहीं, इसका इफेक्ट हमारे खान पान पे, जो हमारे आजकल यंग जनरेशन में बहुत कॉमन है, बिंज ईटिंग, फास्ट फूड का खाने का कल्चर, क्या इनमें भी फर्क पड़ सकता है, फूड क्रेविंग, खाने खाने की लालसा, 98 स्टडीज आर अवेलेबल और इन स्टडीज के अंदर सब में भी ये किया गया है कि बिंज ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनली हाइपर एक्टिविटिंग और इन सब जो फूड क्रेविंग्स हैं, इन सब को योग मेडिटेशन से हम लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश में बढ़ती जा रही है शहरों में, वो है अल्कोहल, शराब का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम जैसे अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, शराब का प्रयोग बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे हो रहा है और इसके लिए भी बहुत सारे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए गए अल्कोहल क्रेविंग के ऊपर। 42 डिफरेंट स्टडीज आर अवेलेबल एंड आउट ऑफ दो स्टडीज सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टडी, अभी पीछे एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया विकीविट्स, ये जर्मनी से ट्रायल है, इसके अंदर क्रेविंग ऑफ अल्कोहल और ये रिड्यूस की गई 168 पार्टिसिपेंट्स के अंदर। और सिमिलरली हमारे देश से भी कई किस्म की ऐसी स्टडीज प्रेजेंट, ओवरवेट के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं जिसके अंदर हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीज में इंक्रीज इन बॉडी मास इंडेक्स मानते हैं, मतलब कि हमारे पेट के ऊपर जो चर्बी जमा होती है वो ज्यादा हानिकारक है। और हमारे देश में हमारे हम लोगों में ये कहा जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर बसु ने बताया कि हमारे यहाँ हार्ट डिजीज की वजह से मृत्यु दर विश्व के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इन इंडियंस नाम से एक अलग टॉपिक है कार्डियोलॉजी में, क्यों टॉपिक है, हम लोगों को ज्यादा हार्ट डिजीज क्यों है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस में फर्क है वो ज्यादा है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो इन सबको कंट्रोल करने का सिंपल सरल उपाय योगा है। 183 अलग स्टडीज हैं, इसमें हमने भी एक स्टडी की गंगाराम हॉस्पिटल में पिछले 10 साल में की गई, 646 लोगों को लिया गया था स्टडी में और 545 लोगों में ये दिखाया हमने सीटी स्कैन द्वारा कि इंट्रा एब्डोमिनल फैट कम हो जाता है, सेंट्रल बॉडी ओबेसिटी बहुत कम हो जाता है। एक और पेपर जिसके साथ मैं भी एसोसिएटेड हूं और ये पब्लिश किया गया यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में,
ये कंबाइंड स्टडी की गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि आपकी यहाँ से क्या एविडेंस है विदेशों में। कई बार हम लोगों ने पत्र लिखे यूरोपियन सोसाइटीज को, अमेरिकन सोसाइटीज को, कि आप योगा को भी इंक्लूड करिए। तो उन्होंने हम लोगों को इसका पार्ट बनाया। तो एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल प्रस्तुत किया गया, जिसमें जितनी भी स्टडीज थी हमने उन सबको इकट्ठा किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या इफेक्टिवनेस है योगा की इन मॉडिफाइंग द रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये पेपर पब्लिश किया 2 साल पहले हम लोगों ने यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में। इसमें करीबन 37 रैंडमाइज मेटा एनालिसिस थे और लाखों की संख्या में लोगों को लिया गया। और ये स्टडी को बिल्कुल साइंटिफिकली हम लोगों ने देखा, योगा के प्रयोग से हम बॉडी मास इंडेक्स को कम कर सकते हैं, हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसको हम कम कर सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बॉडी वेट में ऑन एन एवरेज 2 किलो की इंप्रूवमेंट होती है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में फायदा होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है, ट्राइग्लिसराइड्स में कमी आती है। और यही नहीं, मन शांत और एक्सरसाइज होने की वजह से हार्ट रेट भी कम हो जाता है। इस बहुत बड़ी स्टडी की कंक्लूजन था कि देयर इज अ प्रॉमिसिंग एविडेंस ऑफ योगा इन इंप्रूविंग द कार्डियक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, एंड दिस वॉज प्रूवन बियॉन्ड डाउट इन वेरियस स्टडीज एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं डायबिटीज के बारे में, डॉक्टर बसु डायबिटीज के बहुत प्रखर विद्वान हैं और इसके ऊपर उनके काफी ट्रायल्स के भी पार्ट रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि हम जितनी लाइफस्टाइल एसोसिएटेड बीमारियां हैं उनके 3 मुख्य बिंदु हैं। 3 मुख्य बिंदु क्या हैं? ग्लूकोटॉक्सिसिटी, ग्लूकोज का ज्यादा होना, अधिक होना, और ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग, ऐसे ही लाइपोटॉक्सिसिटी, फैट्स का ज्यादा होना और उससे टॉक्सिसिटी होना, इन्फ्लेमेशन, और इन सब से इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। और इन्हीं के इंटरप्ले से डायबिटीज, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। और इस सब के ऊपर, इन्फ्लेमेशन पे, ग्लूकोटॉक्सिसिटी पे, लाइपोटॉक्सिसिटी पे, एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है प्रतिदिन योगा करना। आज कोई दवाई नहीं बनी जो इन सबको एक साथ कंट्रोल कर सके। अगर हम सारी दवाइयों का निचोड़ एक जगह देना चाहते हैं तो वो सिर्फ योग है। सिर्फ योग ही इन तीनों तरीकों को कंट्रोल करके इन सब बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है। एक और बहुत बड़ा स्टडी पब्लिश हुई 2000 में यूरोपियन हार्ट जर्नल में, और इसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायबिटीज से पहले वाली स्थिति है, जिसमें सेंट्रल बॉडी ओबेसिटी, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसमें शो दिखाया गया कि योगा एक सुपीरियर तरीका है, एक बढ़िया तरीका है, और एक्सरसाइज के मुकाबले में कंपेयर किया गया वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस को कम करने के लिए। और जो सबसे अच्छी बात है योग की, किसी भी दवाई के मुकाबले, किसी भी एक्सरसाइज के मुकाबले, इसमें कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं है। इस बारे में बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या करती है योग, ऐसा क्या योग करती है? क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया गया है कि साइंटिफिक प्रूफ दीजिए। साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास है और साइंटिफिक प्रूफ आज पब्लिश किया गया पिछले साल 2019 में जर्नल ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और प्रिवेंशन में, इस जर्नल में पब्लिश किया गया। और ये अमेरिका में पब्लिश हुआ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ही एक जर्नल है, इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन कार्डियक डिजीज। और इसमें ये क्लियरली डिफाइंड है कि योग से आप क्या क्या ठीक कर सकते हैं। योग से आप ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, अरिथमियाज कंट्रोल कर सकते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो हम आम भाषा में हार्ट की बीमारी कहते हैं, हार्ट फेलियर, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और योग क्या करता है? योग हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी कंट्रोल करता है। जो आज के स्ट्रेस की वजह से अगर आप देखें तो एक एवरेज हार्ट रेट बढ़ा हुआ है सब लोगों का, और उसके पीछे मेन रीजन सिंपैथेटिक ओवरड्राइव बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है। इन सब का कंट्रोल सीधा योग करता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कंट्रोल करता है, वेगल आउटपुट इंप्रूव करता है, सिंपैथेटिक अराउजल को कम करता है, स्ट्रेस लेवल्स कम करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंप्रूव करता है। और इन सबसे क्या, बहुत सारी बीमारियां लाइक एट्रल फिब्रिलेशन,
जिनसे पैरालिसिस स्ट्रोक होने के चांसेस हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, एंजाइना हार्ट की बीमारियां ये सारी चीजें हार्ट अटैक्स इन सबको कंट्रोल बहुत अच्छी तरह किया है। यही नहीं एक और पेपर पब्लिश किया गया 2016 में, इसके अंदर इम्यून सिस्टम बायोमार्कर्स, आजकल ये कोरोना की महामारी की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत प्रखर विद्वान है न्यूरोलॉजी के, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो दिल्ली में जितने भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं और उनके मेंटल स्टेटस की स्टडी कर रहे हैं, और उनका ये फर्म बिलीफ है कि जिन लोगों की सोच अच्छी है उन लोगों को ये बीमारी कम हो रही है। ऐसा क्या है, क्या होता है ये हम जानते हैं। आपने भी सुना होगा कि इंटरल्यूकिन 6 नाम का एक पदार्थ बॉडी में सिक्रीट होता है जिससे साइटोकिन स्टॉर्म और एकदम ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये सारी चीजें कहां से कंट्रोल होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से। और कहां कौन काम करता है, वहां योग से हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, योग से इन्फ्लेमेशन हम रोक सकते हैं, योग से इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, योग से बायोलॉजिकल एजिंग को कर सकते हैं। तो योग का फायदा सिर्फ हार्ट डिजीज में बीमारियां कम करना नहीं है, इन्फ्लेमेशन को कम करना ऑल ओवर द बॉडी। एक बहुत बड़ी स्टडी अमेरिका की कैंटोस स्टडी की गई, जिसका मैं भी एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, जिसमें हमने इन्फ्लेमेशन को टारगेट किया कैनकुनीमैब ड्रग से, और ये देखा कि जब इन्फ्लेमेशन कम होती है हार्ट अटैक्स कैंसर ये सब कम हो जाते हैं, और यही चीज योग से होती है। योग से भी आप सीआरपी लेवल्स और दूसरी चीजें कम कर सकते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात 2009 में नोबेल प्राइज मिला, ये पहली बार प्रमाणित किया गया कि टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी को योग के द्वारा हम रोक सकते हैं। और इससे सिर्फ यही नहीं, आप देखिए बायोलॉजिकल एजिंग को रोक सकते हैं। अगर एकमात्र उपाय है एजिंग को रोकने का, वो कोई जीन थेरेपी या किसी में नहीं है, वो योग है। योग से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के लिए 2009 में टेलोमेरेज एंजाइम के कंट्रोल की प्रोसेस से एजिंग को रोकने की प्रोसेस, ये नोबेल प्राइज मिला 2009 ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को। योगा क्या है, योगा इतनी सरल चीज और इफेक्ट इतना प्रोफाउंड, सिंपल चीज बॉडी के ऊपर एक्शन काम कॉन्शियस माइंड पे एक्ट करते हैं, तो ये सब कॉन्शियस माइंड हमारे पीनियल हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, और सारी जो हमारी मेन वजह है प्रॉब्लम की, स्ट्रेस एंजाइटी इंक्रीज इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, इन सब को वहीं पे योग के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही नहीं हमें खुशी कंटेंटमेंट और ये सारी चीजें देता है, और इसका फायदा इन सब चीजों से भी बहुत आगे बढ़ता है। हृदय रोग के बारे में सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बताया, ये बहुत बड़ा एक एपिडेमिक है जो बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, हर साल लोग इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। क्या रोक सकता है आरोग्य भारती, रोकना है, रोकना कैसे है, दवाइयां और ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करना तो है, उसका जरूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव। लाइफस्टाइल में बदलाव के सबसे जो अच्छी चीज है वो है योग। देखिए ये आज मानव की स्थिति, 20 साल लगे मानव को विकसित होने में, और पिछले 50 साल में मानव एकदम से अविकसित हो गया। जो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल करता था वो अब आराम से बैठ के बैठा रहता है, कुछ काम भी नहीं करता, और सोच में हर वक्त खाने पीने की चीजें फास्ट फूड है, और अगर उसको टीवी का चैनल बदलना है तो उसके लिए भी उठता नहीं, वो रिमोट का प्रयोग करता है। इसी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं, इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। सबको बदलने की जरूरत है अगर हमें हार्ट डिजीज को रोकना है। हमारे आधुनिक आहार और जीवन शैली में जो कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे लाइफस्टाइल से, इन चीजों को रोकना है, इन सबको बदलना पड़ेगा। और कहाँ बदलना पड़ेगा, पूरा विश्व आज कहता है कि एक चीज बचा सकती है, माइंड कैन हील योर बॉडी, आपका मन हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। और ये कैसे,
सिर्फ योग और मेडिटेशन के द्वारा। ये हम नहीं, पूरा विश्व आज कह रहा है। और सबसे बढ़िया बात ये, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम पिछले 10 सालों में अपने अस्पताल में किए और करीबन 26 स्टडीज पब्लिश की गई हैं। इन स्टडीज के अंदर हमारा जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जिन पेशेंट्स की बाईपास होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम, सबसे अच्छा प्रोग्राम है योग का प्रोग्राम। सभी पेशेंट्स को योग के बारे में बताया जाता है और क्लासेस ली जाती हैं। और हमने ये सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है कि आज योग के द्वारा हम एथरोस्क्लेरोसिस को, एंजियोग्राफी के द्वारा सिद्ध की हुई हार्ट की बीमारी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं योग के द्वारा। ये प्रमाणित है, ये हमने पब्लिश किया है बहुत सारे जर्नल्स में और बहुत सारी जगह। मेरे सीनियर हैं डॉक्टर सुभाष मनचंदा, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजी के चीफ रहे हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में बहुत काम किया है। और पूरे विश्व में ये जगह जगह हर एक देश में जाके योग और हृदय रोग के बारे में, इसके बारे में बहुत काम उन्होंने भी किया। और यही नहीं, आज योग को हम नहीं मान रहे, पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज 110 कंट्री के अंदर इंटरनेशनल योगा डे मनाता है और 21 जून को हम सब मनाएंगे। दुनिया में कई मिलियन लोग रोज योगा करते हैं, 100 मिलियन लोग। और अगर हम देखें लिटरेचर, आज अनगिनत लिटरेचर उपलब्ध है योग के ऊपर। हमें तो फोकस करना है सिर्फ अपनी सुखद जीवन के लिए नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही हमारे देश का मूल मंत्र है। और इसके लिए योग से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पतंजलि जी, जो आज के जितने मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन सबको अगर हम कंबाइन भी कर लें तो उन सबको उन्होंने फेल कर दिया कई हजार साल पहले, जिस तरह की उन्होंने बात कही। उनकी कुछ बातें दोबारा से रखना चाहूंगा। देर इज ऑलवेज अ लाइट विद इन अस दैट कैन टेक अस अवे फ्रॉम सोरो एंड ग्रीफ, नो मैटर हाउ मच वी मे बी एक्सपीरियंसिंग इट। और यही नहीं, उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा है, दी सबसे बड़ी जर्नी जो है एक कदम से शुरू होती है। आइए हम सब मिलके ये कदम लें और योग को हम बढ़ाएं और अपने देश, अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को और पूरे विश्व को हृदय रोग से हम बचाएं। मैं अपना लेक्चर इसको समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी के बारे में कहना चाहूंगा। आई बो डाउन टू हिम हु प्यूरिफाइज द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, by who purifies the expression of speech by Tata, and who purifies the impurities of body through Vaidya. He is who, an expert in removing the impurities of speech, the most excellent of munis, our own Maharshi Patanjali. मैं अपने हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि जिस तरह की उन्होंने विद्या हमें दी, आज भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और हम योग के मार्ग पे चलें और पूरे विश्व का कल्याण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हृदय को, हृदय जो है चेतना का स्थान होता है, मन का स्थान होता है। सर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको मैं पूछना चाहता हूं। सर एक प्रश्न आया है, हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स हेल्प इट्स एम्प्लॉयर्स गेट रिड ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हाउ कैन द कॉर्पोरेट हेल्प। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जी, ये पूछा है डॉक्टर अनिरबन जी। नहीं क्वेश्चन मैंने, हाँ अनिरबन जी को नमस्कार। ये दिल्ली में बहुत प्रखर वैज्ञानिक हैं और जर्नल पब्लिश करते हैं। इनके साथ मैं योग के ऊपर और लिपिड के ऊपर भी कुछ पब्लिश करना चाहूंगा अनिरबान जी। डेफिनेटली ऑल दी कॉर्पोरेट्स कैन वर्क इन दिस डायरेक्शन, दे जस्ट हैव टू अडॉप्ट सिंपल प्रैक्टिसेस ऑफ योगा। जस्ट बाय पॉपुलराइजिंग योगा, द कंसेप्ट ऑफ योगा, इवन इन अवर हॉस्पिटल वी हैव डन दिस, दैट फॉर 1 आवर वी डेडिकेटेड 1 आवर फॉर अ प्रैक्टिस ऑफ योगा। एंड बिलीव मी एवरीवन, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ दैट 1 आवर नॉट ओनली फेल्ट हैप्पी बट दे आर ऑल लीडिंग वेरी हैप्पी लाइव्स। All corporates should put in their program and have their yogic retreats. Maybe once in 6 months, they should take all their employees at one place, teach them yoga,
and try and inculcate yoga and meditation, you will see how your organization will be transformed completely. Sir, ek question aur hai inka. Is there any particular reason why yoga helps in reducing stress and anxiety? जी बिल्कुल. देखिए जो योग है, योग में ही इसका दान है. हमारे जितने भी मन की प्रॉब्लम्स हैं, आज हम इस बारे में पहले जानते नहीं थे, आज पहले कोई साहित्य नहीं था, पहले कोई एविडेंस नहीं था. आज अनगिनत एविडेंस है कि योग से जो हमारा मन है, हमारा जो दिमाग है, वो काबू में नहीं रहता और इधर उधर भागता है. योग से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं और जब हम उस पर कंट्रोल पाते हैं तो सारे स्ट्रेसेस, एंजाइटी, ये सब चले जाते हैं. एक बहुत साधारण सी बात है, ये कहा जाता है कि मनुष्य बाहर भाग रहा है अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए, जबकि सारी खुशी उसके भीतर है. और ये भीतर जाग झांकने के लिए, शरीर, मन, बुद्धि और स्पिरिचुअलिज्म के लिए अंदर झांकने के लिए योग ही हमें मदद करता है. और इसी वजह से मन की शांति ही नहीं, सारी चीजों में हमें फायदा होता है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. It has been also proven in various scientific ways. We have one study in which we did with transcendental meditation in epilepsy patients. And in transcendental meditation, we showed that by doing transcendental meditation, the epileptic drugs were reduced by half in 5 years in many children. So there are many ways. On EEG, it has been shown that the beta waves and alpha waves, they are both reduced. The amplitudes and frequency of burst is reduced by doing meditation in yoga. Thanks, Dr. Ashwini. It was a remarkably stunning and educative lecture. I really thank Dr. Vashneji also for suggesting your name for this lecture. And aam taur pe conventional cardiologists, cardiology or intervention ke baare mein baat karte hain. It's so refreshing ki aap yoga aur meditation ke baare mein itna gyan rakhte hue और कोरिलेट कर रहे हैं कार्डियोलॉजी से. बहुत बहुत जान के बहुत एकदम पाथ ब्रेकिंग लेक्चर था मेरे लिए. मैं सुनील जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ. सुनील जी, अगला प्रोसीडिंग प्लीज कंटिन्यू. धन्यवाद डॉक्टर साहब. निसंदेह योग एवं ध्यान हृदय रोग में कितना महत्वपूर्ण है अभी हम लोगों ने सुना, और संभवतः हम सभी लोग उसको अपने जीवन में उतारेंगे और स्वस्थ रहेंगे. बिना समय जाया किए हुए मैं अपने आगे के वक्ता प्रोफेसर एचएन ओझा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा. आप एमडी पीएचडी काय चिकित्सा में हैं और आपका विषय हृदय रोग में आयुर्वेद कितना कारगर है, कहां तक कारगर है, उसके क्या सुझाव हो सकते हैं हृदय रोग के बचाव एवं रख रखाव में. धन्यवाद प्रोफेसर एचएन ओझा जी. सर, आप सभी को नमस्कार मेरा, और मैं चाहूंगा कि मेरी स्लाइड शेयर करने के लिए मुझे परमिशन दिया जाए. अशोक भाई, बसु साहेब, मेहता जी, पांडे जी, पिनाकी शेयर कर सकते हैं सर. स्लाइड शेयर का ऑप्शन ओपन है जी. हृदय रोग की बात हजारों साल से है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिताएं. ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से हृदय की निरुक्ति बताई गई. हमारी संहिताओं में हृदय पर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई. हजारों साल से हम सिविलाइज हो गए तो हृदय रोग शुरू हो गया. सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी एक साइड इफेक्ट रहा हृदय रोग और मधुमेह. आचार्य चरक ने 3 चैप्टर हृदय में हृदय रोग को डील किया, उसी तरह से मधुमेह को भी. तो मैं समझ सकता हूँ कि संतर्पण और अवतर्पण जनित आहारों में तमाम संदर्भों में हृदय रोग का वर्णन आया. तो कहीं ना कहीं उस काल में भी हृदय रोग की संख्या बहुत ज्यादा थी, जैसा अभी मेहता सर ने भी, अब असू सर ने भी एपिडेमिक स्टडी बताई, जो कि मैं आगे नहीं पढ़ना नहीं चाहूंगा. सिर्फ 5 प्रकार के हृदय रोग बताए गए, वातिक, पैतिक, कफ, सनिपातिक और कृमिज. इस 5 में 100 शब्द हृदय रोग को हमें समावेश करना है, इंक्लूड करना है. आज के डेट में वातिक हृदय रोग क्या है, कफज हृदय रोग क्या है, पैतिक हृदय रोग क्या है, संधिपातिक हृदय रोग क्या है, क्रिमिज क्या है, ये समझना जरूरी है, तभी हम एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएंगे.
एक प्रिवेंशन कर पाएंगे और एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जैसी कंडीशन में, टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन में कोई कारगर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ चलते हुए या उनसे अलग भी हम कुछ करते हुए आईसीयू में कुछ कर सकेंगे, बशर्ते कि हम निदान समझें, संप्राप्ति समझें। आज हमारा जो अप्रोच होगा इन पांचों में ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को इंक्लूड करना होगा। तो हमें करना क्या है, पहले तो हम समझें हृदय क्या है। तीन शब्दों से हृदय बना है, हृदय। हृदय का शब्द है आहरण लेना, वेनस रिटर्न, रीलोड, डेसी डिटरमाइनिंग फैक्टर डिसाइड करेंगे। दो धान्यार्थक है ददाति देना, ए स्ट्रोक वॉल्यूम आफ्टर लोड जैसी चीजें इसे डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं। यह मत गति गत्यात्मक, रिदमिसिटी रेट, कंटिनिटी ऑफ मायोकार्डियम, ये हृदय को बता कर रहे हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में करीब 3,500 पहले बहुत ही साइंटिफिक निरुक्ति हृदय की बताई गई, आपके सामने है। ये जो चारों फैक्टर्स है, प्री लोड आफ्टर लोड कंटिनिटी ऑफ मायोकार्डियम है, हार्ट रेट, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हमें इसी को समझना है, क्या लेना है, कितना देना है, उसके लिए हृदय को क्या कार्य करना है। तो हृदय में है क्या क्या, आयुर्वेद अपने नजरिए से हृदय में क्या देखता है। तो हृदय को देखता है कि वहां पर ओज है, आत्मा है, मन है, इंद्रिय है, प्राणवायु है, साधक पित्त है, अलंबक कफ है, व्यानवात है, रसवा स्रोतस और प्रावर स्रोतस का मूल है। हृदय को संतर्पण चाहिए, बिना तर्पण के हृदय अपना काम नहीं करेगा। मतलब बैलेंस चाहिए सप्लाई और डिमांड में। सप्लाई का कम होना, डिमांड का बढ़ना, ये जो अवतर्पण होगा, ये विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों में कारण होगा, जो हमें समझना होगा। बहुत अच्छी बात आताचरक लिखते हैं, अम्ल के संदर्भ में, अम्लम हृदयम तर्पयति। आचार्य चक्रपाणी की बहुत सुंदर व्याख्या है इसमें, हृदयम तर्पयति हृदय भवति। चरक सूत्र स्थान में भी जब दशमानी की बात हुई, वहां 10 प्रकार के हृदय द्रव्यों को बताया उन्होंने। ये सभी जो हृदय द्रव्य हैं वो अम्ल हैं, अम्ल होने से रुचिकर भी हैं और हृदय को पोषण देने वाले हैं, तर्पण देने वाले हैं। हृदय से निकलने वाली धमनियां, हृदय में आने वाली सिराएं, इन सभी को समझना है। हृदय में आने वाला रस, रस का मतलब क्या है, रसत इति, रस का मतलब क्या है, अम्बुत्व का मतलब क्या है, फ्लूडिटी का मतलब और प्रतिघातत्व और सरत्व का क्या मतलब है, इसे समझते हुए रस को हृदय में लाना है। अब रस हृदय में आता है अपने आप, उसकी फ्लूडिटी के नाते एक विनस रिटर्न है, जिसमें किसी प्रेशर ग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है, एक फिनोमेना है जो होता है वही रस के द्वारा है। आचार्य चक्रपाणी बहुत क्लियर है, चिकित्सा स्थान 15 में रस का मतलब रस रक्ताति अम्बू धातु। तो जितनी भी अस्थायी धातुएं हैं जिनका वहन करना है, जिनको भेजना है जगह जगह पोषण के लिए, परिवर्तन के लिए, उसमें हृदय एक मुख्य है। लेकिन हृदय के लिए रस का महत्व है। हृदय को ऊर्जा चाहिए, हृदय को कार्य चाहिए, जो उदान के द्वारा होगा उसके लिए प्राण स्रोतस की बात आएगी, ऑक्सीजन की बात आएगी, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की बातें बहुत कुछ होती हैं जो आप जानते हैं। तो हृदय जो प्राण और रसवा स्रोतस के बीच में है, तो प्राण स्रोतस की और रसवा स्रोतस की दोनों की जो व्याधियां हैं वो भी हृदय को प्रभावित करेंगी। जैसे आपने देखा तमक श्वास में तो श्वासों में स्पष्ट कहा उन्होंने, कब वातापित स्थान समुद्भव हृदय से रसादि नाम धातु नाम का उपशोषण। आज भी आपने देखा कि सीओपीडी में कोर पल्मोनरी हो रहा है, कोर पल्मोनरी के दो काजेज में प्राइमरी और सेकेंडरी काजेज में आप देख रहे हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मेजर काज है, एक्यूट कंडीशन डेवलप हो रही है। तो प्राणवायुस्रोतस को समझना होगा, कफज काश में पित्तानुबंध होने पर क्या होगा, तमक श्वास में क्या होगा, वातिक काश से आगे क्या होने वाला है, क्यों हृदय रोग होगा, इनकी संप्राप्ति पैथोजेनेसिस बनाने के बाद हमारी उसकी प्रति ट्रीटमेंट होगा। हमने पुष्कर मूल दिया है, हमने सटी दिया, हमने वारंगी दिया है। जब मैं कभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो काश में भी बताए गए, श्वास में भी बताए गए, हृदय रोग में भी बताए गए, उनको ही लेना है। तो हम प्राण स्रोतस को ठीक कर दे रहे हैं, तो सीओपीडी आगे हृदय रोग में परिवर्तित नहीं होगी अगर हम इसे लगातार दे रहे हैं। पुष्कर मूल सटी भारंगी जैसे योगों को हम लगातार यूज कर रहे हैं अपने रोगियों में, कनकासों को, तो रोगी हृदय रोग में परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे अगर हृदय रोगी को हृदय औषधियों को रस पे कार्यकारी द्रव्यों को हम आगे दे रहे हैं, जो अब चर्चा होगी, तो उसमें पांडु सोथ और कामला जैसे लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, मर्मोपघात नहीं होता है।
हमारी जो दमनियां हैं इनकी दमनियों के कंट्रोलिंग के लिए जो मैं आपने देखा गुरु आदि गुणों की जब चर्चा होती है तो उसी तत्व में बैलेंस होना चाहिए। उष्णत जो वैसो डायलेट करता है उसी तत्व जो वैसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ये डायलेटेशन और कंस्ट्रिक्शन का जो फैक्टर है, जो आर्टरी की टोनोसिटी है, जो आर्टरी की जो ल्यूमेन को बैलेंस करने की बात आती है जिससे कि संतरण सम्यक होता रहे कोशिकाओं में, उसके लिए ये गुरुवादी गुणों का बहुत महत्व है। गुरु और रुच के साथ भी यही बात लागू होती है, गुरु और लघु के साथ भी ये बात लागू होती है, स्निग्ध रुच के साथ भी ये बात लागू होती है, कटु के साथ बात लागू होती है। एक ड्यू अमाउंट कटु चाहिए जिसके नाते फ्लूडिटी बनी रहेगी, एक ड्यू अमाउंट लवण चाहिए डाइट में जिससे कि विसंधन बना होगा, फ्लूडिटी बनी रहेगी। अगर आपने मधुर बढ़ा दिया, आपने गुरु बढ़ा दिया, आपने स्निग्ध आहार बढ़ा दिया, सीध आहार बढ़ा दिया, तो संतर्पण अधिक होने से हार्ट पे लोड आ रहा है, ओबेसिटी की बात हो रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात हो रही है। आयुर्वेद में अष्टौ निंदित अध्याय में पहले ही स्थौल्य की बात हुई, जहां बहु विकार कहा गया, बहु विकार समुच्चय कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि इन प्रक्रियाओं को जब हम समझ रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत से श्रोत हृदय से संबंधित है, हृदय बहुत से श्रोत से संबंधित है, उनके किसी के भी विकार में आप देखेंगे। जब हृदय रोगों की बात आएगी तो एक बीज स्वभाव की बात है जो स्थौल में आचार चरक ने कहा है, बीज स्वभाव की बात आती है। स्थूल माता पिता में स्थौल्य होता है, उनके पुत्रों में उनके पुत्रियों में स्थौल्य होगा, और उस स्थौल्य के नाते फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज जैसी चीजें होती हैं, ये भी हमें समझना है। कुछ हमें बिहेवियर फैक्टर्स को समझना है कि क्या। एक बहुत अच्छी बात संतर्पण के निदानों में आचार्य चरक ने कही है, चेष्टा द्वेषी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोबिया होती है, जिनको एवर्जन होता है, जो किसी तरह के व्यायाम नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि मेहता सर ने अभी दिखाया, एक आदमी कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहा है और खाते रहता है दिन भर, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को चेष्टा द्वेषी, और उसके साथ ही गुरु आहार, मध्य का सेवन, आचार्य चरक ने सभी कुछ अपने संतर्पण निदानों में बताया है। हजारों साल से आयुर्वेदिक, हजारों साल से जो आर्यावर्त रहा है, इस आर्यावर्त में इस आहार विहार का इतना सेवन हो गया कि हमारा म्यूटेशन हो चुका है, हमारे एंडोथेलियल सेल प्रोन हो चुकी है, वल्नरेबल हो चुकी है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। टाइप 2 डायबिटीज क्यों कॉमन इंडियन पॉपुलेशन, उसका बहुत बड़ा कारण जो है जेनेटिक म्यूटेशन है, चेंजेज है जो हजारों साल से खान पान के नाते हमने परिवर्तित कर दिया है। तो हमें सुधार ही नहीं आ रहा है, जो अपने खान पान में सुधार करें, संतर्पण और अपसर्पण आहारों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करके बैलेंस डाइट लेने की बात करें। मूंग दाल खाने में कम होता जा रहा है, तूर दाल ही ज्यादा है, राजमा ही ज्यादा है, मटन चिकन के खाने बढ़ते जा रहे हैं, तमाम चीजों पर हमारी चर्चा होगी। इनअप्रोप्रिएट न्यूट्रिज आहार संभव वस्तु रोगा जो आहार संभव, आहार को ही हमें लेके चलना है। आज आहार में है क्या, आचार्य बहुत क्लियर है, शुष्क शाक है, शुष्क फल है, तिल है, क्लीन आहार है, विदग्ध आहार है, ग्राम्य आहार है, ये सभी आहार जो है वो हृदय रोग के उत्पन्न करने में मूलभूत कारण है। हमने कभी नहीं ध्यान दिया कि प्रेशर कुकर में जब हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो हम फोलिक एसिड गायब कर दे रहे हैं, विटामिन सी गायब कर दे रहे हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट गायब कर दे रहे हैं। तो हमारी जो आहार जो पाचन की प्रक्रिया है, पाक प्रक्रिया है, वो भी गलत है, उसके नाते भी हमें आहार के जो मुख्य घटक वो नहीं मिलते हैं। ये आज की बात नहीं है, हजारों साल से आचार देख रहे हैं जिसका वर्ण क्लीन आहार के रूप में, विदग्ध आहार के रूप में है, परियोषित आहार के रूप में है। आज मैं बात कहूं यहाँ पर, उदावर्त के बाद ही वृक्कगत रोग और हृदयगत रोग और शिरोगत रोग बताया गया, आज भी गट और हार्ट और गट और ब्रेन रिलेशनशिप को जोड़ा जा रहा है। अगर हम आहार को अच्छा ले रहे हैं और हमारा जो अन्नवा स्रोत है, हमारा जो पुरुषवा स्रोत है, ये अगर सम्यक है तो बहुत कुछ हम पहले ही लेवल पर ठीक कर लेते हैं। आहार बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आहार में आज फाइबर्स की जो बात आ रही है, तो फाइबर्स में कौन सा फाइबर, गुड और बैड फाइबर भी आपको सोचना है। ऐसा ही फाइबर सोचना है जो वहां के माइक्रोबायोमा के लिए हेल्पफुल हो, जिसके लिए उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, उस न्यूट्रिशन उसे उस फाइबर से मिल रहा हो। तो ये सब चीजों का हर एक वर्ग में, फल वर्ग में आचार्य चरक ने 27वें अध्याय में बहुत अच्छा निरूपण किया है। तो हमें एक बात को समझना होगा कि क्या आहार में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, एसेंशियल फैटी एसिड, इनकी क्या मात्रा है। हम एसेंशियल फैटी एसिड जैसी चीजों को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हमें इन्हें आहार से लाना होगा, तो उनको भी हमें समझना है। अरे बहुत पहले मैं बताऊं, आचार्य भाव प्रकाश ने गेहूं की बात की और गेहूं से तेल की बात की, उसमें उन्होंने चक्षुष से लिख दिया। आज हमको मालूम है कि विटामिन ए वहां पर है,
16वीं शताब्दी में एक आचार्य हमारा एक आहार द्रव्य को लेकर चतुष की बात करता, आज हम उसमें विटामिन देखते हैं कितनी बैलेंसिंग है। आप देखिए आपके दाढ़ी में वृक्ष आम्ल में मातृभूमि में है क्या, सिर्फ एस्कार्बिक एसिड नहीं है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, फाइबर्स है, फ्रक्टोज है। देखिए जो मैग्नीज है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये हार्ट को नियमन करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अम्लम हृदय तर्पयति, तर्पित के लिए तर्पण होने का मतलब वहां सप्लाई अच्छी हो रही है, उसका रिडिमिसिटी अच्छी है, उसकी कंट्रोलिटी अच्छी है, मतलब सिंपल उसका एक्शन पोटेंशियल ठीक है, उसका रेट नॉर्मल है, उसकी रिडिमिसिटी करेक्ट है, साइनस रिदम है, उसके लिए एक आहार है जो दशमानी में कहा गया, तुप्तिमाम पथ्य अपथ्य के संदर्भों में कहा गया। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 15 में एक आहार के साथ जुड़ी हुई बात बताई कि चार अम्ल द्रव्य जो यहाँ बताए जा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा लवण, थोड़ा सा त्रिकटु यूज किया जाए गुड़ के साथ, ये आहार में डाला जाए। तो एक आहार के साथ ही जब हम अम्ल लवण और इन चीजों का यूज कर रहे हैं तो हृदय रोगों से हम बच रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को जो हम संतर्पण के रूप में लेके चलते हैं इसको हमें सोचना होगा। आजकल होमोसिस्टीन की बात होती है, ये भी आपको जानना है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, आप होमोसिस्टीन को बढ़ने रोक सकते हैं अगर आपका जीआईटी, पर अगर आप 3 दिन उपवास करते हैं तो 3 दिन के उपवास के बाद जो नई विलाई बनती है वो एकदम नॉर्मल होती है। जितने भी आहार से टॉक्सिन से हमारी विलाई डिस्टर्ब है वो 3 दिन के 72 घंटे के उल्लंघन के बाद परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर 72 घंटे पर नई विलाई आती रहती है। तो जो नई विलाई आ रही है तो 72 घंटे के बाद जो नई विलाई है वो एक्सपोज नहीं है, एक लंघन करके फिर एक हम अगर सम्यक आहार बना रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है कार्डियो प्रोटेक्टिव, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है न्यूरो इम्यूनो बूस्टर के रूप में। इसमें बहुत बड़ा कारण होगा वृक्षाम्ल का, दाढ़ीम का, मातलुंग जैसे आहार द्रव्यों का। तो आप जब देखेंगे कि अच्छा कि आज आज हमारी एक बहुत बात मेहता सर ने भी कहा, आपने देखा कि इंडोथेलियल टॉक्सिसिटी की बात हुई, इंडोथेलियल टॉक्सिसिटी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात हुई, आपने देखा उन्होंने ग्लूकोज टॉक्सिसिटी, फैट टॉक्सिसिटी, प्रो इंफ्लेमेटरी एंड एक और चीज वहां होती है प्रो कोगुलेशन, और एक चीज और होती है एमिलॉइड डिपोजिशन बीटा सेल में। ये जो एमिलॉइड डिपोजिशन जो हम मांस के रूप में देखते हैं, इसे आचार्य चरक ने 17वें अध्याय सूत्र स्थान में देखा, आपने कफ पित्त मांस में इसको कहा अवरक के रूप में, बात के लिए तो मधुमेह की बात कही, वही आगे बढ़ जाती है हृदय रोग में। तो मांस भी आता है जो कि आप एमिलॉइड के रूप में देख रहे हैं, डिपोजिशन के रूप में देख रहे हैं बीटा सेल्स में, और आगे बातें होती रहती है। तो होल एज ए होल जब हम देखते हैं तो इंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हमने आयुर्वेद में स्रोतस के अनुपात के रूप में देखा। स्रोतस का जो अनुपात होना जरूरी है किसी भी कारण से, जैसे अभी उन्होंने आचार्य चरक ने श्वास रोग में रस धूम वाताभियान कहा, तो धूम कहा, और धूम को आचार्य चक्रपाणि ने वातकर कहा, और वातकर का मतलब वो वहां पर तोड़फोड़ करेगा स्रोतस में। जब वो तोड़फोड़ करेगा वो व्यूकर हो रहा है, वो अंदर तक जा रहा है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस का कारण हो रहा है। तो उपलेपन रखना है आपको, एक सामान्य जो उपलेपन है, जो प्राकृतिक उपलेपन है, जो एंटी एडहेसिव सरफेस एंडोथेलियम का, उसे मेंटेन रखना है, और उसके लिए ही आहार और विहार का बैलेंस होना जरूरी है। ये तमाम फैक्टर्स की बात है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वान विलेब्रांड फैक्टर्स है, कभी भी इंडोथेलियल एक्सपोज हुआ, डिन्यूड हुआ, तो वन बिलेग्रांड फैक्टर ब्लड के कॉन्टेक्ट में आकर के थ्रोम्बोसिस इनहेंस करता है। ढेर सारे तत्व लिबरेट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सीरोटोनिन होती है, तमाम बातें आती हैं जो हम कफ द्रव्य के रूप में देखते हैं, कफ धर्मी द्रव्य के रूप में देखते हैं। जब तक रक्त में कफानुबंध नहीं होगा तब तक ग्रथित रक्त नहीं होगा, तो ग्रथित रक्त होने के लिए, थ्रोम्बस बनने के लिए, कॉगुलेशन के लिए कफ धर्मी अंशों का ही बात है। कफ धर्मी ही अंश स्थायित्व करते हैं, घनीभूत करते हैं, मांसपेशी प्रभ करते हैं। अब कफ को रोकना, कफ आ कहाँ रहा है, अतिरिक्त कफ कहाँ से आ रहा है, ये समझना है। वो आ रहा है मधुर से, स्निग्ध से, संतर्पण आहारों से, अव्यायाम से, असंशोधन से। आचार्य चरक बहुत क्लियर है संशोधन को लेकर कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ संशोधन कर्म करने ही चाहिए, भवन विरेचन आदि करने ही चाहिए, जिससे कि लगातार स्रोतस जो है वो अनुपात बना रहे। स्रोतस का ही अनुपात होना जरूरी नहीं है, माइडियल स्रोतस के साथ धातुवाग्नि, और धातुवाग्नि के साथ स्रोतस में रहने वाला व्यानवात जो तर्पण करता है,
जो रसवाही ज्ञान बात है, इन तीनों का जब सम्यक रूपेण कार्य हो रहा है तब एक स्रोत से एक सम्यक धातु निर्मित होती है। उसके लिए विहार भी चाहिए उस ज्ञान के लिए। तो आहार और विहार का जो सम्यक योजना है, जो सम्यक अनुवर्तन है, ये महत्वपूर्ण घटना है इसकी बात होगी। आप देखें अल्कोहल मध्य जो सबसे पित्तकर है, मध्य में आप ध्यान रखिए ओज के 10 गुणों के विपरीत गुण हैं। मध्य ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी को कतई सूट नहीं करती। आचार्य ने एक पूरा अध्याय दिया चिकित्सा स्थान मदात्य पर, मतलब हजारों साल से हमारी सोसाइटी मद्यपान करती रही और उसका इफेक्ट है आज। तमाम एपिडेमिक स्टडी में आप देख सकते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज बढ़ती जा रही है, अल्कोहलिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी बढ़ रही है जो कि पहले रेयर हुआ करती थी, लगभग कॉमन हो जाएगी कभी समय में। तो अगर हम लोग देखें कि कुछ चीजें जरूरी हैं आहार में जो कि आपको लेना है, पॉलीअनसैचुरेटेड लेना है, पॉली मोनोअनसैचुरेटेड लेना है, तो आपके पास सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल है, सेसम ऑयल है जो कि गुड सोर्सेज हैं। तो क्या नहीं लेना है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, ये अच्छे नहीं है क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। मतलब ये बिमर करने वाले हैं, मतलब ये साममेद को बढ़ाने वाले हैं। हमें साममेद नहीं चाहिए, हमें अनुपहत मेद चाहिए, उपचित मेद चाहिए। हमें ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रोलिफरेशन नहीं चाहिए, हमें उसका यूटिलाइज करना है, हमें उसे कंज्यूम करवा के लेना है। मतलब हमारी अग्नि व्यापार अच्छा होना चाहिए, हमें अपने अग्नि व्यापार को अच्छा रखना ही है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आगे जब हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमने देखा अगर आहार में संतर्पण आहार ज्यादा है, व्यायाम कम है, तो मेद की उत्पत्ति होती है। अरे मेद एक ऐसी बला है, जब वो बनता है तो अन्य धातुएं नहीं बनती है, और मेद का संचय कुछ खास जगहों पे होता है, और जब सेंट्रल ओबेसिटी में होती है तो फिर इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन के बीच जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके नाते फिर रेस्टिंग तमाम जैसी चीजें जो होती हैं वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंसी करती है, जो जैसा मेहता जी ने अपने लेक्चर में कुछ दिखाया है। मेरा ये कहना है कि जो संतर्पण जनित आहार हैं, जो गुरु स्निग्ध आदि आहार हैं, कपित मांस मेद की जो वृद्धि हो रही है, अपचित मेद बन रहा है, मेद आम युक्त बन रहा है, तो जाके धमनी प्रतिचय हो रहा है, धमनी में उपलेपन हो रहा है। आपको मालूम है आचार्य चरक ने धमनी प्रतिचय को कफ के नानात्मक विकारों में कहा। कफ के नानात्मक मतलब जितने भी कफ धर्मी अंश है, आम धर्मी अंश है, मेद धर्मी अंश है, क्लिद धर्मी अंश है, वो उपलेपन करेंगे, वो एथरोस्क्लेरोसिस करेंगे। इसमें स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन भी एक फैक्टर है, पित्त भी आ जाता है। तो एक मल्टीपल जो संप्राप्ति की जब बात आती है, घटक की बात आती है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंटली कई तरह के आहार विहार की योजना करनी होती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा पाया जाता है एनिमल ओरिजिन में, हमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, हर दिन 300 मिलीग्राम से कम कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो जब हम बहुत ज्यादा नॉन वेज ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो वो एथ्रोजेनिक होगा ही। आपको कौन सा आहार लेना है जो नॉन एथ्रोजेनिक हो, आपको ये यूज करना है, नॉन एथ्रोजेनिक लेना है। जैसे आपने आजकल ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करते हैं, फिश ऑयल की बात करते हैं, अतसी तेल का आचार्य चरक ने मधुमेह में क्या सुंदर यूज किया है, वर्णन किया है, वहां से लीजिए आप। हृदय रोग में भी कोई बात, हर जगह हृदय रोग में, वातिक हृदय रोग में तेल की बात हो रही है, थोड़ा तेल चाहिए, तो कौन सा तेल चाहिए, सेसम ऑयल चाहिए, अतसी का चाहिए, अब इस संदर्भ को वहां लेके जाना है और जोड़ना है नेक्स्ट। और तो एक समय आहार की बात आएगी, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या खा रहे हैं। आप देखिए एक लंबी लिस्ट है हमारे पास जो कि अजीब सा खाना है, ये जो ट्रांस फैटी एसिड को बढ़ा देता है, ये सब के सब एथ्रोजेनिक हैं, से मेदस्विता को बढ़ाने वाले मेदोसिन पुरुष कर रहे हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ही जो है वो मेद कर हो जा रहा है। तो दूसरी जो हमारी आहार में देखा गया कि साल्ट अचानक बहुत क्लियर है, लवण को लेकर के रक्त कम बढ़ जाती, रक्त को बढ़ाता है वो, और जो रक्त को बढ़ाएगा हाइपरवॉल्यूमिया करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। आप समझिए हजारों साल पहले वो लवण के आचार्य की एपिडेमिक स्टडी बहुत अच्छी है कि बहुत से क्षेत्रों में लवण दूध के साथ सेवन किया जाता है, जो विरुद्धार हो रहा है, वो खालित पालित देखते थे, आज हम हाइपरटेंशन भी तो देखेंगे। आज जो सर्वे है उसमें देखा जा रहा है कि अमूमन आदमी 10 से 12 ग्राम से लेकर 30-35 ग्राम तक साल्ट खाता है पर डे, कुछ जगहों पर 30 से 35 ग्राम साल्ट पर डे खाया जाए, हमें चाहिए क्या 3 या 4 ग्राम पर डे, लेस देन 5 ग्राम।
तो 4-5 गुना हम साल्ट एक्स्ट्रा खा रहे हैं, जिसका कि लौड़म रक्तम वर्धयति, लौड़म पित्तम प्रकोपयति, रक्त लौड़म कफम प्रकोपयति, मांस एथेलियम करोति। तो ये प्रक्रियाओं को समझना होगा। चरक सूत्र स्थान में जो 26वें अध्याय में षड रसों के गुण और कर्मों का विवेचन किया गया, अधिक मधुर आदि सेवन से क्या व्याधियां हो सकती है, देखिए अति मधु सेवन से आचार्य चरक लिखते हैं धमनी उपलेपन, सोचिए आप। तो अति धमनी उपलेपन एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आज भी आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है इंपॉर्टेंट काज है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी इंपॉर्टेंट काज है, जेनेटिक फैक्टर्स की बात हो रही है, कुछ रेस है, कुछ इथनिक ग्रुप है जहां पर डिसलिपिडीमिया मिलती है, कुछ फैमिलियर डिसलिपिडीमिया होती है जो कि बीज स्वभाव से देखा जा रहा है स्थल में। तो इन तमाम चीजों को हमें लेके चलना होगा कि हम हृदय रोगों में ये तमाम जो है वो हेतु हो रहे हैं। फिर आपने देखा कि आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में एक मेजर का जो है वो एंजियोपैथी है, माइक्रो एंजियोपैथी है। दोनों एंजियोपैथी की आप बात करें, माइक्रो और माइक्रो, हमारे लिए क्या है, स्रोतस की बात है, स्रोतस उपहत की बात है, स्रोतस के संकुचित होने की बात है। तो एंजियोपैथी नहीं होगी अगर षड रसात्मक आहार है, 6 रसों का सम्यक सेवन किया जा रहा है, एंजियोपैथी नहीं होगी, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगे, कोई नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो आहार जो है वो महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण से एंजियोपैथी एक बनता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवैस्कुलर, एक हेतु है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। बहुत से हेतु बताए गए हैं, बहुत से जगहों पर आचार्य चरक ने हृदय रोग बताए, जैसे प्राणादि उदानी बताया, समान पिता ने बताया है, इसके अलावा गुलमे में बताया है। तो इन तमाम चीजों को भी लेके चलना कि आचार्य बागभट तो गुलमवत हृदय रोग को देखते हैं कि गुलम की जो चिकित्सा है वो हृदय रोग की चिकित्सा है। कई गुलमे में बताए गए योग हृदय रोग में भी कारगर हैं, स्पेशली वातिक हृदय रोग के लिए। अब रसोन छिरपाक की बात होती है गुलमे में चरक में, और रसोन छिरपाक जो बेस्ट है हृदय रोग के लिए, सिवी खाटी के, सिर्फ सिवी खाटी के लिए, वो लिपिड को भी कंट्रोल करता है, बाइल को भी कंट्रोल करता है, और बाइल और लिपिड के जो बैलेंस चाहिए बाइल में वो भी देता है लीवर में, उसके नाते लिथोजेनिसिटी भी नहीं होती है। कितनी बातें हैं अगर सम्यक आहार हम ले रहे हैं तो आपको एक थ्योरी बनी उसमें एलोपैथी के दृष्टिकोण से, एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी बनी, जिसके लिए फॉल्टी डाइट वगैरह बात आई, वही हमने ग्राम में आहार में देखा। 3 से 3500 पहले भी एक संभाषा हुआ इसी संदर्भ में आहार विहार को लेकर, ग्राम विहार को लेकर के आचार्य लोग अग्निवेश और आचार्य यात्रे भारद्वाज आज बहुत दुखी थे। ये संभाषा आचार्य यात्रे के अध्यक्षता में हुई और बहुत क्लियर बताया गया कि ग्राम ग्राम आहार के अतिरिक्त सेवन होने से कुछ व्याधियां होंगी, उसमें हृदय रोग भी है, प्रमेय भी है। तो इन चीजों को हमें समझना होगा, आगे जाना होगा, इस थ्योरी को समझना होगा। आचार्य Respected sir, sorry to interrupt you sir, time limitation se sir, please conclude kariye sir. Yes Pandey ji. Thank you sir. Kya bole? Haan Pandey ji. Main sun nahi paya aapko. Sir, maine kaha kshama chahta hu interrupt karne ke liye sir, wo samay ki badhta hai to main bhag raha hu, main apne jagah pe aa raha hu. Yes sir. To vaibha aur murcha ye tamam jo hain wo बहुत से लक्षण बताए गए, यही सामान्य लक्षण हैं। इन्हीं सामान्य लक्षणों को आप जब देखेंगे आज मॉडर्न टाइम में भी वो आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं मिलेगा एंजाइना में, वैवर्ण में जेंथोलेस्मा, जेंथेमा, स्प्रिंटर हिमरे, साइनोसिस, जंडिस, तमाम ऑस्टुलर नोट्स सब भी आपको देखना है। इसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, फेंटिंग है, कफ है, कार्डियक जो कॉजेज है एस्थीनिया के उसको भी आपको समझना है, कार्डियक कॉजेज जो वोमिटिंग के वो भी आपको समझना है। तो जो सामान्य है उन चीजों को लेके चलना है, उस बेस पर फिर आपको एक निदान बनाना है कि वातिक है, पैतिक है, कफज है, सन्निपातिक है या कृमिज है। आचार्य सुश्रुत ने ही सिर्फ सामान्य संप्राप्ति बताई, आप ध्यान रखिए, ये दुषित्वा रसम दोषा विगुणा हृदय गता कुरवंती हृदय बादाम, तो ये सामान्य संप्राप्ति आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताई। आचार्य चरक ने सामान्य संप्राप्ति नहीं बताई, सभी की विशेष संप्राप्ति बताई। हर हृदय रोग की अपनी एक पैथोजेनेसिस होती है, एक कॉमन पैथोजेनेसिस की बात आचार्य चरक ने नहीं की। नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत ने आपको मैं बताऊं कि वो चार ही प्रकार के हृदय रोग मानते हैं। जब धमनी प्रत्यय की बात आई तो साम्यवेद व्यान बात और जो धमनी श्रोतस की बात आएगी, तो साम्यवेद की बात आई जो मैंने चर्चा की,
साम्यत की बात आएगी, प्रतिघातत्व की बात आएगी, इम्बैलेंस आएगा प्रतिघातत्व और प्रतिघातत्व में, और उसके नाते एथ्रोस्क्लेरोसिस होगी, रियोलॉजिकल फोर्सेस की भी बात आएगी, उपरेपन की बात आएगी, एंटी एडहेसिव एटमोसफियर तैयार हो रहा है वो देखा जाएगा नेक्स्ट। एक जो इसमें देखा जा रहा है कि जो इम्बैलेंस हो रहा है व्यान बात में, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, डिस्पैरिटी हो रही है, अब तर्पण हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है, बात हो रहा है, बात हो रहा है, ऐसे बहुत बड़ा ग्रथित रक्त की बात हुई। चरक आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान चार में ग्रथित रक्त की बात कही है, कफानुबंध रुधिर सपित्त कंठागते साथ ग्रथित। तो जब कभी कफ का अनुबंध होगा रक्त और पित्त में, तभी जाकर के ग्रथित रक्त होगा, थ्रोम्बोसिस होगी, जिसकी एक पैथोलॉजी बनती है, और उसके लिए चिकित्सा क्षार बताई गई, असंत क्षार बताया गया, प्रियंगु क्षार बताया गया, कमलनाल क्षार बताया गया, एक स्टडी करे हैं तो वातिक को आप बहुत क्लियर समझ सकते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए। अब अगर आप देखें तो वातिक हृदरोग में एक बहुत लंबी डिजीज दिखती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अलावा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अलावा, जितने भी अर्धमिया के डिसऑर्डर्स हैं, वो चाहे टैकी अर्धमिया हो या वृद्धि अर्धमिया हो, आट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, सुप्राविंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तमाम चीजें ये उसमें इंक्लूड होती हैं। मतलब हमें दोनों तरह के रोगों को ठीक करना है, जो चेस्ट प्रधान है, पेन प्रधान भी है, और जो रिदमिक से है, रेड से है, ये सब वात, क्योंकि वात ही काम करता है गति का, वात ही कंट्रोल करता है, गति नियमन में वात का बहुत बड़ा रोल है, उसमें पंचात्मा वात को लेकर हमें चलना होता है, पंचात्मा वात को हम जब लेके चलेंगे। और हृदय की सबसे अच्छी संप्राप्ति आचार्य सुश्रुत ने बताई गुल्म के संदर्भ में, जहां पर कफ और पित्त से वात मूर्छित होकर के रस में जाकर के फिर हृदय कर रहा है, वही एंजाइना में होता है, बिना एथेरोस्क्लेरोसिस के या बिना वैसोस्पाज्म से, बिना सप्लाई कम हुए, बिना डिमांड ज्यादा हुए, एंजाइना नहीं होता, ये बहुत ही सुंदर संप्राप्ति बनती है। तो अगर हम पूरा अप्रोच बनाए कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, बहुत जरूरी है, उसमें पहली चीज आहार का है, और आहार देते समय अग्नि बल भी देखना है, और आहार देते समय व्यक्ति की प्रकृति भी देखनी है, कुशलस्मल प्रकृति का है, पित्तल प्रकृति का है, वातल द्वंद्वज क्या है, तो प्रकृति फिर देश भी देखना है, राजस्थान का है या गोवा का है, केरल का है या जम्मू कश्मीर का है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देश का, काल का, प्रकृति आदि का निर्धारण करके आहार की मात्रा, आहार के गुणात्मक अध्ययन, आहार लघु है या गुरु है, सभी की एक अध्ययन करने के बाद आपको एक सम्यक, एक अच्छी थाली देनी है अपने रोगी को, वो आपको समझाना होगा। एट द एंड वही आहार देना है जो धातु अनुपहत कर हो, जो धातु के निर्मिति में सम्यक रूपेण भाग लेता हो। तो आप रोग इंडिविजुअल विशेष आपके पास आहार की विशेष बात आएगी, जिसको आपको चर्चा करनी होगी, खास मात्रा की चर्चा करनी होगी, जो होल आहार की मात्रा की चर्चा करनी होगी, एक एक आहार की मात्रा की चर्चा करनी होगी, सदरसात्मक में लवण कितना देना, अम्ल कितना देना, कटु कितना देना, कसाय और तिक्त और स्पेशली मधुर क्या, सभी की भी एक मात्रा निर्धारण करने के बाद बात हो सकती है। और कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो आपको ध्यान रखना है, जितने भी इच्छु के विकार हैं, जितने भी दुग्ध के विकार हैं, ये अति बिगड़ करने वाले हैं, उनसे भी आपको ध्यान देना है। अनुप्रदेश की जो मांस है उन्हें ध्यान देना है, जंगल प्रदेश की मांस जो है वो बेटर है वो ध्यान देना है। अब क्या अच्छा है, क्या रोज खाया जा सकता है, सस्टिक साली, मुग्ध, थोड़ा सा सैंदव, आमल की यौ, अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष जल की बात नहीं, लेकिन जो भी प्योर वाटर है, सर्पी, जंगल मांस, ये कुछ ऐसी चीजें जो नित्य सेवन की जा सकती है। उसमें आमल की बहुत अच्छा है, उसमें यौ बहुत अच्छा है, मुग्ध बहुत अच्छा है। तो आहार का जो नियोजन है वो बहुत जरूरी, विरोधी आहार नहीं लेना है। बहुत सुंदर व्याख्या है चरक 27वें 28वें अध्याय में, वो भी देखना है, विरोधी आहार के पूरे जो 19 घटक हैं उनको भी समझना है। एक आयुर्वेदक के रूप में विहार, व्यायाम बहुत जरूरी है, चेष्टा बहुत जरूरी है, एक ड्यू कोर्स का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अति व्यायाम भी नहीं होना चाहिए और चेष्टा दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को समझना है, स्मोकिंग बंद करनी है, स्ट्रेस खत्म करना है, तमाम चीजों को, डाइट जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। क्या चाहिए आपके आहार में, ओरिजा सेटाइवा बेस्ट है, मूंग बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, एलडीएल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, और क्या करता है, एंटी एथ्रोजेनिक है, और इसका जो कार्बोहाइड्रेट है जो अब्जॉर्ब होता है, स्लोली अब्जॉर्ब होता है, इसकी रेजिस्टेंसी नहीं होने देता, तो समृद्ध है, योग की बातें हैं, मरीच है, पटोल है, हमारे हर दिन के आहार में है ये सब चीजें, कार्बेलक है,
कुलत है, उसीर है, बनाना है, वेस्ट है बनाना। आप आहारों को देखें, ये आयुर्वेदिक आहार है जो आयुर्वेदिक सिद्धांतों में बताए गए हैं कि हृदय रोग में देना है या नहीं देना है, उसी में एलोपैथिक अप्रोच है, मॉडर्न साइंस की बात है जो मैं साथ में बता रहा हूँ। कितना बैलेंस है दोनों स्टडी मेडिसिन, हमें अब प्रिवेंशन भी करना है और हमें जो डिजीज हो गई उसे रोकना भी है, हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जो हृदय रोग में कारगर हो। तो पहला ड्रग हमें क्या बनाना है कि मेद न बने, वो मेद जो बने वो साम न बने, मेद जो बने वो अनुपात हो, उपचित हो। तो उसके लिए घटक क्या यूज करना है, मरीच है, चित्रक है, दारू हृद्रा है, रसून है, तुलसी है, वचा है, एक लंबी लिस्ट है, ये लेना है। ये आधुनिक दृष्टिकोण से भी प्रूव है और आयुर्वेद में तो इन चीजों को बताया ही गया है। शिलाजीत का बहुत सा आचार्य ने कफ हृदय रोग में बताया, शिलाजीत का यूज आवरण में बताया है। तो ये जो चीजें बताई गई हैं उनको हम अगर यूज कर रहे हैं तो घटित रक्त मत होने दीजिए, अगर खाने में थोड़ा सा क्षार है, थोड़ा त्रिकटु है तो घटित रक्त नहीं होगा। देखिए लंबी लिस्ट है क्षार की आचार्य चरक के द्वारा, चरक चिकित्सा फोर में, कि जो घटित रक्त को रोकता है या हो गया तो उसे डिसोल्यूट करता है। वो थ्रोम्बोलाइटिक भी है, एंटी थ्रोम्बोटिक भी है, एंटीकॉगुलेंट भी प्रॉपर्टीज है उसमें। तो ये अब आप देखिए कौन से ड्रग ऐसे हैं जो रस और रक्त स्रोत पर काम करते हैं, आमल की जैसे, हर की जैसे, सतावरी, सतावरी जो ऐसा एक एला ड्रग है जो मेद्य भी है, प्राण पे काम करता है, बल है उदान पे काम करता है, हृदय है ध्यान पे काम करता है, अग्नि पे काम करता है, समान पे काम करता है, अनुलोमक है, मूत्रल है, अपान पे काम करता है। तो ऐसे ड्रग हैं आयुर्वेद में जो पंचात्मा वात पित्त कफ पर कार्य करके पूरा हृदय को नियमन करने की शक्ति रखते हैं। अमृता के बारे में आपको मालूम ही है, रसायन के रूप में वो तो अमृता श्वेष विबंध को प्रशमन करने वाला बताया गया कि श्वेष में और रक्त में वो विबंध होने ही नहीं देगा, मतलब ग्रथित रक्त होने ही नहीं देगा। जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और मेजर प्रॉब्लम है तमाम जगहों पर वो अमृता से रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ ऐसे ड्रग है वासाखंडकारी जैसे जो प्रामर स्वतः पे काम करते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज जैसी चीजों को इनसे मैनेज किया जा सकता है। हार्ट फेल्यूर में ये चीजें यूज में लाई जा सकती है और लाई जाती है, हम लाते हैं इन चीजों को। तो कुछ ड्रग जो है वो वात पे काम करेंगे, दोष पे काम करेंगे, दसमूल है, अर्थ की है, रसून है, गुगुल है। तो आपने देखा कि एक अप्रोच ऐसा हम बना रहे हैं कि जिसमें एक एक करके हम देख रहे हैं। अभी एंजाइटिस की बात होती है, स्ट्रेस के कम करने की बात होती है, योगा दे रहे हैं, योगा से नहीं कम हो रहा तो आपके पास ड्रग है, मेद्य रसायन है, ब्रह्म रसायन है, चार प्रकार के मेद्य बताया चर्चा वो अलग से है। तो ये एक लंबी लिस्ट हमारे पास मेद्य की है। लहसुन घृत की बात आई, रसून घृत उन्माद में बताया उन्होंने, रसून छीर उन्होंने हृदय रोग के लिए बताया, जो अपर रसून घृत बताया वहां हृदय रोग बता दिया। तो कहां के फलश्रुति में क्या है वो लेकर के हम अपने लोगों को जनता को दे रहे हैं तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं। तो एक रिड्यूस आपने देखा कि साल्ट आजाद हो रहा है, हाइपरवोल्यूमिया हो रही है, उसको कम करने के हमारे पास क्या पुनर्वा आचार्य हृदय रोग में भी दिया है, उपचुरु है, पुस्ता है, उसीर है, दाढ़ीमादी घृत है, नवायल चूर्ण है, ये यूज में ला जा रहे हैं। और शोधन कर्म की अपनी लिमिटेशन है सर, सिर्फ अपना बस्ती जैसी चीजें हैं, वमन विरेचन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, तो हम अगर एक होलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं जहां पर आहार विहार व्यायाम योगा आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव रिजिम, तो हम अपने पॉपुलेशन को रोग से बचा सकते हैं। ये मेरी एक असल में 20 या 25 मिनट में इतनी लंबी प्रक्रिया को गागर में सागर भरने जैसी होती है इन जी, फिर भी मैंने कोशिश की है। थैंक यू, एनी डाउट? बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाकई 35 मिनट में पूरे हृदय रोग को एक साथ बताना गागर में सागर भरने के समान है। फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। मेनली आपने आहार पे डाइट पे फोकस किया और त्रयोपस्थम में आहार ही मुख्य है और आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य इनको नियंत्रित करके किसी भी प्रकार के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रश्न तो बहुत है सर, थोड़ा समय का अभाव है, फिर भी मैं एक प्रश्न आपसे रखता हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी जी ने एक क्वेश्चन किया है कि जो सिल्वर के हम पात्र यूज कर रहे हैं क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या?
सिल्वर जैसे प्रेशर कुकर वगैरह जो हम प्रयोग कर रहे हैं। हाँ राइट है, बहुत जरूरी है सर कि हम कितना प्रेशर दे रहे हैं। तो नहीं, जो नहीं। पहले कढ़ाई में खाना बनता था वही सम्यक है सर जी। दादी माँ के समय के बनाए हुए तरीके से ही खाना बनाना बहुत ही उपयुक्त है। खाली आपको गैस पर ही बनाइए लेकिन उस पुराने प्रक्रिया को वापस लाइए, नहीं तो दाल जो आप खा रहे हैं वो दाल नहीं है, तो मुद्ग खा रहे हैं मुद्ग यूज नहीं रह जा रहा है सर। सब मुद्ग की जो चीजें हैं वो खत्म हो जा रही हैं, तो वो एंटी वो जो हाइपोलिपिडिम की इफेक्ट वो नहीं मिल रहा है। हम क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि जो आहार हम बना रहे हैं वो सम्यक देव कम आंच पर धीरे धीरे हम आहार को पकाएंगे तभी आहार जो है वो सम्यक बनेगा, और जो हीट लेवाइल है वो बचा रहेगा, जो प्रेशर लेवाइल है उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो वो प्रेशर गिराते जाएगा। तो हम दादी माँ के तरीकों को वापस लाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कुछ डिग्निटरीज आरोग्य भारती से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रीता खन्ना महिला प्रमुख आरोग्य भारती न्यू दिल्ली, डॉक्टर मनीष भारतीय आरोग्य भारती दिल्ली उपाध्यक्ष हैं आप, डॉक्टर संदीप अग्रवाल कोषाध्यक्ष दिल्ली, डॉक्टर शिवांग स्वामी नारायण राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अहमदाबाद से आप होम्योपैथी चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर सुनील वाजपेयी सर कानपुर से, डॉक्टर पवित्रा मोहंती पूर्वी उड़ीसा से आप अध्यक्ष हैं आरोग्य भारती के, पूर्वी उड़ीसा प्रांत के सचिव डॉक्टर युधिष्ठिर नायक जी आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। ऐसे बहुत से डिग्निटरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील सर से आह्वान करता हूं कि सर आप कार्यक्रम को आगे संचालित करें। डॉक्टर सुनील सर आपको अनम्यूट किया। धन्यवाद प्रोफेसर ओझा, आपने बहुत अच्छे से विषय को रखा। आयुर्वेद निसंदेह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है और उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें समय हम लोगों को सीमित करती है, समय अभाव है, इसके लिए हम लोगों को बीच बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, उसके लिए खेद मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत की तरफ से कहता हूं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी अपने बीच मौजूद हैं। आप MBBS MD DM कार्डियोलॉजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं और आपका मार्गदर्शन आज हम सभी लोगों को मिलेगा। आपका विषय है हार्ट अटैक लक्षण उपचार एवं बचाव। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी आप अपना मार्गदर्शन दें। सर अनम्यूट करिएगा सर अपने आप को। आलोक जी सर पहले मैं सबको नमस्कार कहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर इंद्रनील बसु जो कि मेरे सीनियर भी रहे हैं MBBS में, आरोग्य भारती के इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। इस प्रोग्राम का प्रारूप देख करके हमको तो बहुत अच्छा लगा, इसमें आयुर्वेद होम्योपैथ और मॉडर्न मेडिसिन का एक समागम करने की कोशिश की गई है। विवंशन के ऊपर क्या हमको आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं, कैरी ऑन डॉक्टर लोग। प्रिवेंशन के बारे में डॉक्टर मेहता ने और आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी रहस्य थे उसके बारे में डॉक्टर ओझा ने बहुत बताया। मैं हृदय रोग जो अमूमन हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं, कुछ जन्मजात रोग होते हैं, कुछ इंफेक्शन रोग होते हैं, लेकिन जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो जो हृदय की धमनियां होती है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के बारे में सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज दो प्रकार से हो सकती है, एक तो एक चर्बी जमती है और उसके ऊपर एक स्मूथ मसल की कोटिंग बन जाती है। अगर ये जो कोटिंग है ये जो ब्लॉकेज है अगर 70% हो जाए छाती में दर्द होता है या सांस फूल सकती है। तो कहेगा जब हम चलते हैं तो छाती भर जाती है, उठ जाते हैं तो आराम हो जाता है। एक तल्ला सीढ़ी चढ़ते हैं तो छाती भर जाती है, फिर इसको हम लोग कहते हैं खत्म हो जाता है।
इसको स्टेबल लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब हम रेस्ट करते हैं जैसे ही हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो हमारा जो रेस्टिंग स्टेज में जो ब्लड फ्लो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो तो हार्ट की ब्लड सप्लाई उसके लिए एक्सरसाइज के हिसाब से वो बढ़ नहीं पाती। अब ये सवाल उठता है कि हार्ट अटैक जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं वो क्या है। जब किसी भी कारणवश हमारे जो कोरोनरी आर्टरी है जो हृदय को ब्लड देने वाली नलिकाएं हैं उसके जो जो चर्बी है उसके अंदर जो फैट है उसके ऊपर जो स्मूथ मसल सेल की कोटिंग है वो स्मूथ मसल सेल की कोटिंग किसी भी प्रकार से वो फट जाए तो होता क्या है कि जो फ्लोइंग ब्लड है आर्टरी के अंदर वो फैट के एक्सपोजर में आ जाता है और जब फैट के एक्सपोजर में आता है ब्लड तब वहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट है और जब इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से हमारी वो एक पर्टिकुलर धमनी जो है 100% ब्लॉक हो जाती है तब ये मेजर हार्ट अटैक हो जाता है। और जब थ्रोम्बस तो बना क्लॉट तो बना चर्बी चर्बी का ब्लड का मिलन हुआ क्लॉट तो बना लेकिन आर्टरी 100% बंद नहीं हुई तो इस स्थिति में दो कंडीशन हो सकती है अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। इसको हम लोग कैसे पता करते हैं तो सारे प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए जब हम चलते हैं छाती में दर्द होता है जब हम चलते हैं अचानक से सांस फूलती है और आराम हो जाता है तो ये क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है। ये हार्ट अटैक की श्रेणी से पहले की स्टेज है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हार्ट अटैक के पहले स्थिति हो लेकिन अमूमन ये सब पाया जाता है। लेकिन अगर रिस्ट में चेस्ट पेन हुआ बैठे बैठे में अचानक से छाती में दर्द हुआ और अचानक से सांस फूलने लग गए डायबिटीज में जैसे साइलेंट अटैक होता है दर्द नहीं होता फिर सांस फूलती है अचानक से सांस फूलने लगी अचानक से गैस बनने लग गई अचानक से जबड़े में दर्द होने लगा अचानक से किसी हाथ में दर्द होने लगा बैठे बैठे और खूब पसीना आने लगा तो अगर 20 मिनट से ज़्यादा इस तरह की तकलीफ हो तो उसको हम लोग किस तरह के की तकलीफ को हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की संज्ञा देते हैं। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का मतलब क्या है कि हार्ट की नसों में क्लॉट बन गया है। अब वो क्लॉट अगर 100% आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो ये मेजर हार्ट अटैक जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। ऐसे मरीजों में अगर हम ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में एसटी एलिवेशन दिखेगा और इसको मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। और यहाँ पर टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइम इज ए मसल। अगर यहाँ पर अगर हम तुरंत 6 से 12 घंटे के अंदर क्लॉट भूलने की दवा या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं जहाँ ज्यादा सुविधाएं हैं जहाँ पर लोग रिपोर्ट कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में सीवियर चेस्ट पेन अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन एमआई है तो वहाँ हम लोग इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करते हैं इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बहुत महंगा इलाज है बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत से मरीज ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम तुरंत एंजियोप्लास्टी करा लें इस वजह से उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्लॉट भूलने वाली दवाई तो ये भी एक अल्टरनेटिव है। नॉर्मली 2-3 दवाएं आती हैं इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस सेलेक्टेप्रेस गटिप्रेस। तो अगर कभी भी आपको छाती में दर्द अचानक हो तो तुरंत ईसीजी अपना कराना। ये एक जनरल मैसेज में देना चाहता हूँ जो अपने चिकित्सक बंधु भी जो हैं जो कि कार्डियोलॉजी से संबंधित नहीं है और जो जनरल लोग फेसबुक लाइव के जरिए हम लोग को सुन रहे हैं। अगर आपको किसी भी समय किसी भी प्रकार का छाती में दर्द हो अचानक से सांस फूले कोई हाथ फटने लगे गैस बनने लगे अगर रात में हो रहा है तो सुबह का इंतजार न करें। तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं जहां पर इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है वहां पर ईसीजी कराएं और तुरंत ईसीजी में जैसा आएगा जो वहां पर उपस्थित डॉक्टर होंगे उनकी सलाह से जो है अपनी चिकित्सा कराएं। अमूमन होता है कोई तकलीफ होती है हम लोग डाइजीन का सिरप पी लेते हैं कुछ पी लेते हैं कि गैस बन रहा है और ईसीजी 2 दिन बाद कराते हैं। ईसीजी जब हम 2 दिन बाद कराएंगे तो क्या होगा अमूमन ये भी देखने में आता है कि 12-14 घंटे बाद दर्द में आराम हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई आपकी आर्टरी 100% बंद है उससे हार्ट का एक हिस्सा को ब्लड सप्लाई मिल रही है और अगर 12 घंटे आपने उसको क्लॉट भूलने की दवा नहीं दी तो वो हिस्सा डेड हो जाएगा। जब वो डेड हो जाएगा तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा हमको आराम हो गया। तो वो आराम नहीं है वो बेसिकली आपका हिस्सा डेड हो चुका है।
अब उसके बाद जब आप तीसरे दिन चौथे दिन देखेंगे अचानक से सांस खुल, जैसे ही आप मेहनत करेंगे सांस खुलने लगेगी, फिर जब आप इको कराएंगे तो देखेंगे हार्ट की कंपनी की दृष्टि कम हो चुकी है, फिर आप फिर अमूमन मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब अब जो करना हो करिए, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, अब कुछ होता नहीं। तो मेजर हार्ट अटैक में समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पहला घंटा होता है मेजर हार्ट अटैक होने के बाद उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। तो उस गोल्डन आवर में अगर क्लॉट खुलने की दवा लग गई तो ये देखा गया है कि 50% मरीजों में हार्ट अटैक के पूरे लक्षण खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए उनका ईसीजी 12 घंटे बाद एक बात किया जाए, इको किया जाए, तो ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ भी। तो इसके पहले एक घंटे वो गोल्डन आवर किया जाता है। अब ये बात आती है, गोल्डन आवर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12 घंटे का अगर समय बीत गया मेजर हार्ट अटैक के बाद ये कुछ डैमेज परमानेंट रह जाएगा जो कि जीवन पर्यंत काल आपको तकलीफ देता रहेगा अगर आप जीवित बच गए तो। अब ये बात होती है कि अगर हमें अचानक छाती में दर्द हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ईसीजी तुरंत करा लेना चाहिए और तुरंत अस्पताल चले जाना, सुबह का शाम का सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप घर पे क्या कर सकते हैं, इमीडिएट डिस्प्रिन, एक डिस्प्रिन की टैबलेट जीभ के नीचे उसको चबा चबा करके खा जाए, और अगर घर में कोई पहले से हृदय का रोगी हो तो वहाँ पर क्लोपिडोग्रेल की टैबलेट होगी, तो 300 mg क्लोपिडोग्रेल, एक डिस्प्रिन की टैबलेट और एटोरवास्टैटिन का 80 mg का टैबलेट, और अगर दर्द हो रहा हो और बीपी ठीक हो तो सॉर्बिट्रेट 10 mg का टैबलेट मरीज को तुरंत दे देना चाहिए अगर 20 मिनट से ज़्यादा का चेस्ट पेन हो। ऐसा भी देखा गया कि किसी भी तरह की घबराहट होती है, कुछ होता है, लोग सॉर्बिट्रेट चूज करते हैं, ये एक बिल्कुल गलत बात है। जब आपको छाती में दर्द हो 20 मिनट से ज़्यादा का हो तभी आप सॉर्बिट्रेट, किसी भी तरह की घबराहट होने में, किसी भी तरह के नींद आने में, ऐसा भी मैंने देखा है मरीजों में अपने देखने को मिलता है कि वो सॉर्बिट्रेट चूजते हैं, तो कुछ भी हो ऐसा नहीं करना है, अगर आपको जब दर्द हो तभी आपको लेना है। तो मुझे लगता है कि दो मैसेज जो क्लियर हुआ कि कोई भी रेस्ट चेस्ट पेन हो 20 मिनट से ज़्यादा का हो तो अगर घर में डिस्प्रिन है क्लोपिडोग्रेल है एटोरवास्टैटिन सॉर्बिट्रेट है तो ले लें, और तुरंत ईसीजी कराएं, दर्द में आराम हो या ना हो इमीडिएट ईसीजी कराएं। और अगर दर्द बना हुआ है, अगर पहला ईसीजी नॉर्मल है, अस्पताल में भर्ती हो जाए, सीरियल ईसीजी कराएं। अमूमन ये देखने में आता है, हमारे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सर ईसीजी तो नॉर्मल है, ईसीजी तो नॉर्मल है। मेजर हार्ट अटैक में भी 100 मरीज अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो 50% लोगों में पहला वाला ईसीजी नॉर्मल आता है। जब आप सीरियल ईसीजी करते हैं 1-2-3 बार बार करते हैं तब जाकर के आप 98-99% केसेस को पकड़ पाते हैं एस्केलेशन में। कोई जरूरी नहीं कि एस्केलेशन में आई हो ईसीजी में चेंज आए, अगर क्लासिकल चेस्ट पेन है तो ये नॉन एस्केलेशन में आ सकता है, जिस केस में ईसीजी आपका पूरा नॉर्मल हो सकता है। अब दूसरी बात आती है ट्रोपोनिन आई एन सी टी के एम बी दर्द होने के 3-6 घंटे के बाद पॉजिटिव आता है। अगर दर्द होने के तुरंत बाद अगर आप ट्रोपोनिन आई कर लेते हैं, ईसीजी भी नॉर्मल, ट्रोपोनिन आई भी नॉर्मल, और आप डॉक्टर की बात सुने बिना घर चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सीसीयू आईसीयू में जब भर्ती करने की बात आती है तो प्राइवेट अस्पताल में थोड़ा बहुत बिल तो भाई ज़्यादा लगेगा ही, तो उससे लोग घबरा करके जो है कहते हैं ईसीजी भी नॉर्मल है, ट्रोपोनिन भी नॉर्मल है, तो जबरदस्ती में भर्ती कर रहे हैं। ये चीज़ समझना है कि इनिशियल ईसीजी और इनिशियल ट्रोपोनिन आई आपके शुरू के 3-6 घंटे में नॉर्मल हो सकता है, और हो सकता है कि आप घर जाएं और रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो जाए। ऐसा देखने को मिलता है, बहुत से मरीज हम लोग की बात नहीं मानते हैं, कई बार ऐसा होता है, साल में 2-3 बार होता है, हम लोग कहते हैं कि अस्पताल न जाइए, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अस्पताल के गेट पे निकले हैं, सीढ़ी से उतरे हैं या सीढ़ी चढ़े हैं और अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और फिर CPR हुआ, रिवाइव नहीं मिल रहा, ऐसा भी हुआ है। तो ये समझना है कि ईसीजी का नॉर्मल होना शुरुआती फेज में ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं है। शुरू में ट्रोपोनिन आई का नॉर्मल होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको मेजर हार्ट अटैक नहीं है या आपको नहीं होने वाला। तो क्लासिकल चेस्ट पेन अमूमन हम लोग कहते हैं बाएं तरफ दर्द, हृदय बाएं हाथ के अंदर की तरफ, लेकिन दाहिने तरफ भी दर्द हो सकता है, दाहिने हाथ में भी दर्द हो सकता है, गले में जबड़े के नीचे भी दर्द हो सकता है,
नीचे अम्बिलिकस तक, अम्बिलिकस से लेके जाके बीच में कहीं भी दर्द हो सकता है। ऐसा भी देखने में आया है कि अचानक से गैस बनने, एपिगैस्ट्रिक पेन लेकर के मरीज भर्ती होता है सर्जन के यहाँ, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसको कोलिगेथियसिस मिलती है और सर्जन उसको फिटनेस के लिए जब हम लोग के पास भेजते हैं तो हम लोग जब ईसीजी कराते हैं तो पता चलता है कि मरीज को एमआई। तो विजिलेंट रहना जरूरी है। अगर जिसको अचानक से गैस मिले, अचानक से एपिगैस्ट्रिक में पेन हो, अचानक से डायफोरेसिस हो, तो इस तरह के केस में इमीडिएट ईसीजी कराना। तो जो हम पब्लिक के रूप में कर सकते हैं, जो अवेयर कर सकते हैं कि ईसीजी ऑन एनी टाइप ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट हमें कराना चाहिए। और अगर आप डायग्नोसिस के बारे में श्योर हो या ना हो, अगर 20 मिनट से ज्यादा का चेस्ट पेन है आप पेशेंट को इमीडिएट अपने क्लिनिक में दे दें, उसके बाद आप उसको ईसीजी के लिए लेके जाएं और ईसीजी जरूर कराएं और आगे की तरफ जाएं। अब रही बात किन मरीजों का एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में जो गाइडलाइन आज की तारीख में कहती है कि अगर कोई भी रिस्क टेस्टिंग हो और अगर पेशेंट एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी कराने के लिए तैयार हो, दोनों बात है, तब रिस्क टेस्टिंग कंडीशन में मरीज को एंजियोग्राफी करके जो ब्लॉकेज है उसके अंदर छल्ला लगा देना चाहिए। एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई के केस में, हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बहुत सी बार होता है मरीज को मेजर हार्ट अटैक है और हम लोग मरीज को दो ऑप्शन देते हैं, या तो क्लॉट भूलने की दवा लगवा लो या तो छल्ला डलवा लो। बेस्ट कौन होता है? बेस्ट छल्ला डलवाना होगा। लेकिन मरीज कहता है डॉक्टर पहले एंजियोग्राफी तो करिए, ब्लॉकेज आकर तब ना करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात समझना पड़ेगा कि अगर मेजर हार्ट अटैक की सिचुएशन में हमने आपकी फ्यूरल आर्टरी को पंचर करके और हमने एंजियोग्राफी कर दी, आपके पास आप एंजियोप्लास्टी कराना नहीं चाहते, तो अब हम आपको स्ट्रेप्टोकोकल कनेक्टिव बेड भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी आर्टरी पंचर हो गई है। ये समझने की बात, ये टेक्निकल इशू है जिसको हम लोग डे टू डे बनारस जैसे शहर में ज्यादा इसमें दिक्कत आती है कि डॉक्टर पहले एंजियोग्राफी तो करिए, आप तो पहले ही एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं। तो वो टेक्निकल सिचुएशन है, तो उस केस में धर्म संकट में न डालें डॉक्टर को, उनकी बात को माने। अगर डाउट है मन में प्लॉट ढूंढने की दवा लगवा लें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनिशियल फेज में। अगर आप कनेक्टिव प्लेस से थ्रोम्बोलिसिस करवा लेते हैं तो एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं तो आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2% का एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी में डिफरेंस आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना जल्दी आपने इलाज लिया। अगर जैसे मान लीजिए आपको घर में हार्ट अटैक हो गया और आपने ईसीजी कर लिया, ईसीजी में एसटी एलिवेशन एमआई हो गया, अब आपका एंजियोप्लास्टी करने में और समझने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, 90 मिनट से 2 घंटे ज्यादा का समय लग रहा है, तो इसमें बुद्धिमानी है कि अगर आपके अगल बगल तुरंत कनेक्टिव प्लेट का इंजेक्शन मिल जाए तो आप इमीडिएट आईवी बोलस 10 सेकंड में दे सकते, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इन कंपेरिजन टू प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। क्योंकि अगर आपने 2 घंटे का समय इसी में लगा दिया कि हम ये कराएं, हम वो कराएं, हम ये कराएं, तो फिर आपका गोल्डन आवर चला जाएगा। अगर थ्रोम्बोलिसिस और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के बीच का टाइम गैप अगर 90 मिनट से ज्यादा का हो गया तो जो भी एडवांटेज आपको एंजियोप्लास्टी से मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर्टरी 100% बंद है, उससे जो एरिया से मायोकार्डियम सप्लाई है वो डेड होता चला जा रहा है। तो टाइम इज ए मसल, जितना आप समय बर्बाद कर रहे हैं वो बर्बाद होता चला जाएगा। ये समझने वाली बात है। 2-3 जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो मैं देना चाहता हूँ हार्ट अटैक से कि कैसे पहचानेंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्लियर हो चुका है। अचानक छाती में दर्द होना, अचानक गैस बनना, अचानक से पसीना हो जाना, अचानक से हाथ फटने लग जाना, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट अचानक से जबड़े से के नीचे से लेकर के अम्बिलिकस के बीच में बाएं तरफ दाएं तरफ हाथ में बाएं हाथ में दाएं हाथ में कहीं भी अगर अचानक से हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और तुरंत ईसीजी करा लेना। ये तो हो गई कि कब हम सोचे कि हमको हार्ट अटैक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जितना बार आप सोचे आपको हार्ट अटैक निकल ही जाए। 100 मरीज आते हैं इस तरह के तो उसमें 25-30% को निकलता है, लेकिन सोचना आपको 100 बार। और ऐसा अगर आपको 20 मिनट से ज्यादा है आप लोडिंग डोज ले लें, डिस्पिन का टेबलेट चूस लें, एटोवास्टैटिन 80 mg ले लें, क्लोपिडोग्रेल 300 mg ले लें, पेन हो रहा है तो सबलेटेट ले लें,
इमीडिएट अपने ईसीजी कराएं, ईसीजी में इसकी एलिवेशन एमआई है तो तुरंत थ्रोम्बोलिसिस, स्ट्रेप्टोकाइनेट अगर गरीब मरीज है, अगर एयरपोर्ट कर सकते हैं तो या इमीडिएट एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो कैंडिडेट, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले लें। और अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन एमआई नहीं है, सी वेव इन्वर्जन है, नॉर्मल ईसीजी है, तो ऐसे मरीजों को हम लोग नॉर्मली नेक्स्ट्राकेरिकल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और अगर बीपी ठीक है, बढ़िया है, लोअर साइड नहीं है, तो हम लोग बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर ये टैबलेट जोड़ करके पेशेंट को सीडेट करके टीसीयू में 48 आवर के लिए भर्ती कर देते हैं। फिर जो मरीज एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार होते हैं, एंजियोप्लास्टी करके उनकी एनाटॉमी डिफाइन करके कि कैसी उनकी एनाटॉमी है, उस हिसाब से एंजियोप्लास्टी या बाईपास जैसी जरूरत होती हो सकती है। इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके की तकलीफ को, किसी भी तरीके के चेस्ट डिस्कम्फर्ट को इग्नोर न किया जाए, तुरंत ईसीजी कराया जाए, सुबह का शाम में कराया जाए, और अगर ईसीजी में कोई फाइंडिंग आए या ना आए फिर भी छह घंटे तक आप अगर कंफर्ट डिसकंफर्ट बना हुआ है तो जरूर रुक के सीरियल ईसीजी कराएं और छह घंटे बाद ट्रोपोनिन कराएं। और अगर रेस्ट पेन बना हुआ है और फिर भी ईसीजी और ट्रोपोनिन नॉर्मल है तो भी ये अनस्टेबल एंजाइना की कंडीशन है, इट मीन्स अगर आप एग्जर्शन करेंगे तो आप अभी अनस्टेबल एंजाइना वाली जो कंडीशन है उससे नॉन एस्टिमुलेशन आई या मेजर हार्ट अटैक चल रहा है, कैनिस्टेबल एंजाइना में भी आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, ऑनगोइंग पेन है तो आपको भर्ती होना है, और लोडिंग डोज, बीटा ब्लॉकर, रेमिपेडिल, रूप की दवाएं और इनॉक्सापेरिन आपको लेना है, और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट अंडर मॉनिटरिंग में किसी भी समय आपका ईसीजी एसटी एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ट्रीटमेंट को लेकर के अपने मन में भर्ती ना पाले, इस तरह की प्रॉब्लम नॉर्मल चिकित्सकों की तरफ से ही आती है कि सर ईसीजी तो नॉर्मल है, ट्रीटमेंट तो नॉर्मल है, तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट मैसेज जो है मैं देना चाहता हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो जनमानस, सामान्य जनमानस जुड़ा हुआ है तो उससे संबंधित चीज़ है, तो ये बात नहीं कि कैसे हम हार्ट अटैक को पहचानेंगे और पहचानने के बाद हमको क्या करना है। और अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, सब कुछ हो गया, दवाएँ आपको जीवन पर्यंत रोज कम ज़्यादा हो सकती है, दवाएं हमेशा आपको करनी है, आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहना है, आपको कार्डियक रिहैबिलिटेशन में जाना है, जैसा डॉक्टर मेहता बता रहे थे योगा इज वेरी गुड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि योगा में क्या होता है आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करते हैं, पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो बहुत से पेपर्स हैं इस पर और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि अगर आप योगा करते हैं तो आपका पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर का जो इफेक्ट हम लोग देते हैं उसी तरीके का अफेक्ट जो है योगा से भी आता है, क्योंकि आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं। माइंड एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, अनएक्सटर्म्ड एक्सरसाइज कभी भी नहीं करना चाहिए, जो आप रूटीन में काम नहीं करते हैं, अचानक से आप ट्रेडमिल पर एक घंटा दौड़ दिए कंपटीशन में, ये कभी नहीं करना। जिस तरह का आप 30 साल से कभी आप पहले तक नहीं है और अचानक से आपने जिम स्टार्ट कर दिया और 30-30 मिनट पर मिशन में कर दिया, इस तरह से भी देखने में आया कि स्टेबल आदमी में भी अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक बीपी भी हो जाता है। दूसरा, बचाव के लिए पहले ही बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन जैसा डॉक्टर इंद्रनील वसू सर ने पहले ही बताया था कि क्या क्या रिस्क स्कोर हो सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, अगर ये 3 चीज़ों को अगर हम लोग अच्छे से पूरे पॉपुलेशन में कंट्रोल कर पाए किसी भी तरीके से, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, ये डिस्कशन का समय नहीं है, या किसी भी अपनी दिनचर्या को अच्छा करके अगर हम अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, एटलीस्ट पूरी दुनिया में जो भी हार्ट अटैक हो रहा है उसका 50% कम। फिर उसके बाद अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधार लें,
जैसा इंटर हार्ट स्टडी को छोड़ करके डॉक्टर ने ऐसा नहीं बताया, फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और विग्रेस एक्सरसाइज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप विग्रेस एक्सरसाइज करेंगे तो अगेन इट इज हार्मफुल। नाउ प्लेंटी ऑफ स्टडीज हैव शोन इफ यू आर एक्सरसाइजिंग मोर एंड मोर देन योर चांसेस विग्रेस एक्सरसाइजिंग देन यू हैव यू आर हैविंग मोर चांसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, यू आर मोर हैविंग मोर चांसेस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो मॉडरेशन इन एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। हर आदमी के लिए एक्सरसाइज, हर आदमी का शरीर अलग है और हर आदमी का फिटनेस लेवल अलग है, उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को धीरे 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 बढ़ाए। एक्सरसाइज अगर आप अपने काम पर जाते हैं साइकिल से जाएं और आए, ये एक्सरसाइज अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फ्लैट में झाड़ू लगा लेते हैं 2500 तो ये भी एक मॉडरेट एक्सरसाइज है, गुड एक्सरसाइज। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जिम में ही जाकर के एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, टहलें, स्विमिंग करें, लेकिन अपने शरीर की अपनी क्षमता के ही उसको करें और धीरे धीरे एक्सरसाइज को बिल्डअप करें, ये अचानक से बिल्डअप नहीं। जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, अगर उनको 12 घंटे के अंदर क्लॉट खुलने की दवा नहीं लगी या 12 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ, और अगर आपको इंटीरियर वॉल्यूम आई है जिसमें एलईडी आर्टरी में ब्लॉक होता है, अमूमन उन मरीजों का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है 30%, 35%, 40%, 25%। तो ऐसे लोगों को अचानक से एक्सरसाइज में नहीं जाना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट और अपने फिजिशियन से आप एडवाइस दीजिए कि कितना आप वॉक कर सकते हैं, कितना चल सकते हैं, कितना चलना चाहिए, कैसे कैसे ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, तो उसको वेरी ग्रेजुअल जाना है। इस तरह से एक्सरसाइज को भी आप रैंडम नहीं ले सकते कि हर हार्ट अटैक के आदमी को कितना एक्सरसाइज करना ही करना। एक्सरसाइज करना नॉर्मल आदमी के लिए बहुत अच्छा है, आप हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, कोई है, आप 30 मिनट अपना एक्सरसाइज करिए, कोई एक घंटा कर सकता है, कोई 15 मिनट कर सकता है, लेकिन अपने हिसाब से करिए। लेकिन एक बार आपको हार्ट अटैक हो गया तो बहुत सी चीज़ें फैक्टर में आ जाती हैं कि आपकी पंपिंग कैपेसिटी क्या है, हार्ट अटैक कितने दिन पहले हुआ है, आपकी क्या क्या दवाएं चल रही हैं, बीटा ब्लॉकर चल रहा है, आप बहुत तेज दौड़ेंगे आपको थकान होने लगेगी क्योंकि हार्ट अटैक उतना बढ़ेगा नहीं, तो बहुत सी चीज़ें फैक्टर, इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। तो अमूमन हम लोग हार्ट अटैक के पेशेंट्स में अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है तो TMT करा करके एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इनको कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए हम लोग बता सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। मेजर हार्ट अटैक होने के बाद बिजनेस एक्टिविटी कम से कम इनिशियल 6 वीक 6 वीक 8 वीक में अवॉइड करना चाहिए, एंड इसका गाइडेंस पूरी तरह से कार्डियोलॉजिस्ट के फिजिशियन के गाइडेंस में ही होना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप इज इम्पॉर्टेंट। उस केस में आप 6 इनिशियल फेज में रेगुलर फॉलोअप भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाद में भी उनका साल दो साल अटैक का बीत गया 3 साल तो लोग कहते हैं अब दवा क्यों खाना है। ऐसा नहीं, हमेशा एक बार जिसको हार्ट अटैक हो गया है उसको दोबारा हार्ट अटैक होने का चांस उन लोगों से ज़्यादा है जिन लोगों को कभी हार्ट अटैक नहीं, ये बात समझने की, क्योंकि वो ससेप्टेबल है, हमें ऑलरेडी एक बार हो चुका है। इन लोगों को रेगुलर अपना चेकअप कराने जरूरी है, अपने पैरामीटर से कंट्रोल रखना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जनमानस से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है इसके बारे में मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर रोकना चाहूँगा, अगर कोई सवाल होगा तो मैं लेना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही आपने सामान्य भाषा में जो लोगों को समझ में आ जाए, कोई साइंटिफिक शब्द का आपने प्रयोग नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। शायद आप, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मेरे पिताजी का माताजी का भी इलाज आप ही से चल रहा है, आप ही के सुपरविजन में, और मैं चाहता हूं कि पैथी कोई भी हो, बस एक पेशेंट का उद्धार होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और हम सभी को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके जाए, कोई भी पैथी हो एकजुट होकर, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि प्रिवेंशन होना चाहिए, क्योर होना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ राष्ट्र इसका निर्माण होना चाहिए, जो आरोग्य भारती की एक संकल्पना भी है। मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम, डॉक्टर कमलेश कुमार द्विवेदी मैडम, डॉक्टर SS ओझा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जी, डॉक्टर भारत भूषण घई जी, डॉक्टर GS दुबे,
डॉक्टर गुरजीत कौर, डॉक्टर शशि शर्मा, डॉक्टर प्रियदर्शनी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर बी एन आचार्य सर कानपुर से, डॉक्टर ममता चौहान, डॉक्टर अभिषेक जी सुल्तानपुर, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र जी गोरखपुर से, डॉक्टर मनीष भाटिया, डॉक्टर रमाशंकर जी, ऐसे बहुत से गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समय का अभाव है, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और जो भी लोग आयुष दर्पण के पेज पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग का हृदय से धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इंद्रनील बसु सर सबकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं चैट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए डॉक्टर इंद्रनील बसु सर को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर इंद्रनील बसु सर प्लीज। सुनील जी ने क्या हमारे हम उनको भी अनम्यूट किया है। हाँ सुनील जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, आप हमारे संचालक हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आलोक, बहुत ही साधारण भाषा में उन्होंने बिना पीपीटी के थोड़ा सा वो हिचक रहे थे, लेकिन हमें अच्छा लगा कि बिना पीपीटी के हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए, और उन्होंने बहुत साधारण भाषा में बहुत टेक्निकल बातें कह डाली। ए टू जेड ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझा दिया, जो यहाँ पर मौजूद और हमारे श्रोता जो नॉन मेडिकल श्रोता हैं या मरीज भी हो सकते हैं उनके घर के कोई, मुझे उम्मीद है कि इनका लेक्चर सुन के उनको काफी ज्ञान मिला होगा। डॉक्टर सुनील मिश्रा जी हैं, ऑनलाइन हैं? जी जी हाँ, प्लीज टेक ओवर फॉर द नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक जी का हम लोगों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन, हृदय रोग को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं इस पर हम लोगों ने सुना। अब मैं अगले वक्ता डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और विंध्याचल विभाग के विभाग प्रमुख हैं आरोग्य भारती की संरचना में, उनका विषय हृदय रोग एवं होम्योपैथी, इस पर वो प्रकाश डालेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी हमें धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। अभी मैं डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी को, उसके बाद मेहता जी को, डॉक्टर एस एन ओझा, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह को विधिवत मैंने सुना। दो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डीएम बहुत ही अच्छी बात बोले, बड़ा अच्छा लगा। आज का विषय बचाव के परिप्रेक्ष्य में है, जानकारी और बचाव। मुझे लगता है कि ये विषय पर ठीक ठीक बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ बातों को उदाहरण में कहना चाहूंगा। अभी डॉक्टर मेहता बहुत अच्छी बात कहकर गए, योग का महात्म्य स्थापित किया। योग के जितने शिविर होते हैं हमारे जनपद में, मैं उसको अवश्य देखता हूं और सम्मिलित होता हूं। आनंद भारती से हमारा संबंध हुआ, तो उन्होंने एक अपना संस्मरण सुनाया कि उनका लड़का कार्डियोलॉजिस्ट हुआ और डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, डीएम भी किया। तो सबसे पहले पिताजी का इन्होंने विधिवत जांच किया, और जांच करने पर पता चला कि पिताजी का कोरोनरी आर्टरी जो है वो 90% से ज्यादा ब्लॉक है। पुत्र ने कहा कि पिताजी हम आपका बाईपास सर्जरी करवाएंगे, और वो योग के बड़े भक्त थे, वो आनंद भारती से मिलते हैं कि अब तो मेरी सर्जरी होनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बालक से कह दो ठीक करो सर्जरी, लेकिन 45 दिन का समय ले लो। 45 दिन का समय ले लिया उन्होंने, मंद गति से शुरू करके 45 मिनट तक का भस्त्रिका 45 दिन कराया, और उसके बाद कहा कि पहले जांच कर लें बाद में ऑपरेशन करें। आश्चर्य करेंगे कि उनका ब्लॉकेज 100% गायब हो गया। आइए एक दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक संत छोटे लाल जी हुआ करते थे,
उनके पुत्र कवि बीएचयू में वो संतोषी कपूर के नाम से थे, छात्र संघ में थे। छोटे लाल जी को खुद ब्लॉकेज हुआ और तब बीएचयू में सर्जरी करते थे ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर उड़प्पा। सर्जरी की तिथि तय हो गई, मैं कुछ हट करके बात कर रहा हूं। सर्जरी की तिथि तय हो गई तो उनके एक साढ़ू हैं हमारे मिर्जापुर में रहते थे बैद्य जी, एक रचना बनी, जाते हैं देवराव बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। देवराव बाबा के आश्रम पहुंचते हैं, देवराव बाबा पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे कहा तुम लोग बहुत देर की, ले जाओ चादर उड़ा दो। रात में ही आते हैं, चादर उड़ाते हैं और सवेरे जांच होती है तो वो ऑपरेशन की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। डॉक्टर उड़प्पा ने कहा कि अब आपकी स्थिति सामान्य है और हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। उस समय ऑपरेशन में रिस्क का जो परसेंटेज होता था वो 95% से ज्यादा होता था, वो ऑपरेशन टल गया। ठीक उसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ, पंडित महेश्वर कवि त्रिपाठी, वो गंगा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और गिरधर मालवी जी उसके संरक्षक हैं, मदन मोहन मालवी के पौत्र। उनको कार्डियक परेशानी हुई, पहले संजय गांधी, बाद में एम्स दिल्ली में गए और वहां से यह तय हो गया कि इनका उम्र ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट हैं, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगी और उनको कहा कि आप घर जाइए और जितना जीवन है सुखमय व्यतीत करिए। एक प्रकार से जवाब मिल गया। ऐसे मरीज को फिर वो हमारे संस्कार भारती से जुटे थे, हम लोगों ने उनकी सेवा की होम्योपैथी से, जान आया। और एक रोचक बात बता दें कि इस बीच में एक दवा मिल गई पाषाण भेद, डॉक्टर एस एन ओझा अभी लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं, वो पाषाण भेद, इसकी 12 प्रजाति होती है। इसको मैंने विधिवत ढूंढने की चेष्टा की तो चंद्रराज भंडारी विशारद ने अपनी किताब लिखी है वनौषधि चंद्रोदय भाग 2 में, तो वहां पे जो स्पेसीज का वर्णन किया वो कोलियस एम्बोनियस है, लेकिन जो त्रिपाठी जी को दवाई दी गई वो दक्षिण भारत से मंगा के दी गई, तो उसका नाम था कोलियस फारकोली। इस दवा के 1 महीने के प्रयोग करने के बाद उनके ब्लॉकेज गायब हो गए, उसके बाद 20-25 साल जीवित रहे और बच्चों को संगीत का नृत्य का शिक्षा देते रहे। अभी 1.5 साल पहले उनका एंजियोग्राफी हुआ था, इस कामना से कि कहीं फिर से ब्लॉकेज न भया हो, तो आप आश्चर्य करेंगे उनका ब्लॉकेज नहीं पाया गया। इन सारी भूमिका के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन सब भूमिका के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले आप चिकित्सा शास्त्र के अगर विद्वान हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एक आदमी क्या है, जीव है। जीव है तो वह 2 चीज का सम्मिश्रण है, जड़ है और चेतन है। जब कोई आदमी मर जाता है तो कहा जाता है ही इज नो मोर। आखिर वो कौन था जो अब नहीं है? पूरी संरचना, पूरा शरीर का वजन, सब कुछ भार, सब कुछ यथावत है, लेकिन वह नहीं है। आखिर कौन गायब हो गया? सही पूछिए तो शरीर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सिम्टम्स और सिंड्रोम, केवल इतना से ही हम आरोग्य विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसके अंदर की एक चेतना है, जब तक हम उस चेतना को पूरा नहीं समझ पाएंगे तब तक यह हम आरोग्य विज्ञान को पूरा नहीं समझ पाएंगे। अब रही बात ये कि इसको लेकर के मेहता जी ने बहुत अच्छा कहा और इसको हमारे एसएन ओझा जी भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि यह जो अंदर की चेतना है, अब आज के इस कोरोना के काल में बहुत ही सूक्ष्म वह विषाणु वायरस बहुत सूक्ष्म है। पूरे विश्व भर में जितना विषाणु होगा अगर कोरोना का उसको तोला जाए तो किलो में नहीं आएगा, ग्राम में ही आएगा। उस सूक्ष्म चीज ने कितना परेशान किया है विश्व को,
या स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज हम ब्रह्मांड को जानने के यत्न प्रयत्न बहुत कर रहे हैं और ब्रह्मांड अनंत है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है और उसकी आकृति की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो अनंत है, अनंत का कोई हम चित्र कर सकते। जितना बड़ा बाह्य ब्रह्मांड है हमारे अंतःकरण का भी गहराई अनंत है और हम उस अंतःकरण के उस पक्ष पर वर्तमान विज्ञान इस भौतिक विज्ञान में हम उसकी बहुत उपेक्षा करते हैं और उसी उपेक्षा का परिणाम है कि आज हम इस दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं। होम्योपैथी, सीधे आइए होम्योपैथी के विषय पर। होम्योपैथी क्या कहता है? होम्योपैथी कहता है कि सभी रोग हमारे मन के मार्ग से अंदर जाते हैं और हमारा ये जीवनी शक्ति जो शरीर है और उसके अंदर की जीवनी शक्ति, डॉक्टर हैनिमन ने चेतना को वाइटल फोर्स से डिफाइन किया, कोई विवाद में न पड़ने के कारण वो वैज्ञानिक शब्द दिए कि जीवनी शक्ति है और वाएं शरीर है। बीमार हमारा जीवनी शक्ति होता है, जीवनी शक्ति चूंकि चेतना है, सूक्ष्म है, बीमारी वहां आती है, बीमार वह होता है, तो उस सूक्ष्म को ठीक करने के लिए औषधि भी सूक्ष्म होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए बता दें, होम्योपैथी में हम कोई जड़ पदार्थ नहीं देते हैं, मालकुलर कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। हमारा जो मेडिसिन होता है वो एनर्जी होता है और नॉन मालिकुलर होता है, उसमें एक सिंगल एटम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट बता दें, एलोपैथिक रोग की चिंता करता है, आयुर्वेद आयु की चिंता करता है, लेकिन होम्योपैथी परमानेंट की चिंता करता है। परमानेंट क्यों? वह रोग के कारण का निवारण करके परमानेंट क्योर देता है। अच्छा, होम्योपैथी में किसी रोग को हम नहीं ठीक करते, होम्योपैथी में हम रोगी को ही ठीक कर देते हैं और जब रोगी ठीक हो जाता है तो वह अपने रोग से स्वयं लड़ लेता है। और रोग से कैसे लड़ा जाता है, आइए इस पर भी दो तीन बातें बोलते हैं। हमारे बीच में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक जी बैठे हैं, डॉक्टर मेहता जी शायद उठ गए हैं, तो एक जानकारी के लिए बताएं, बहुत से मरीजों में देखा कि वे आए, दवाई लिए, उनका ब्लॉकेज दूर हुआ, इतना ही नहीं कुछ लोग दवाई नहीं लिए, सुबह टहलना शुरू कर दिए, बाद में जांच में पता चला एंजियोग्राफी में कि नेचुरल बाईपास हो गया, अंदर कुछ एसेसरी जो कोरोनरी आर्टरीज थी, सहायक नलियां थी, वो इतनी प्रबल हो गई कि बाईपास नेचुरल बाईपास हो गया। ठीक उसी प्रकार से मैंने तमाम ऐसे मरीजों को देखा है कि जिनमें प्रारंभिक लक्षण आए लेकिन सावधान हो गए, बाद में उनके सारे लक्षण ठीक हो गए, ब्लॉकेज भी दूर हो गया। ऐसा हमारे होम्योपैथी में भी होता है, अगर टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स पर लक्षण सादृश्य के अनुसार हम सही दवा का चयन कर दें और उसको दे दें तो उसकी बीमारी हमेशा के लिए परमानेंट क्योर हो जाती है। रही बात एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये तो हर चिकित्सा में बराबर मात्रा में है, यह सबका समान है, केवल ट्रीटमेंट बदलता है। तो जो मैनेजमेंट है वह जानने के लिए हमको निश्चित रूप से एनाटॉमी को अच्छी तरह जानना चाहिए, फिजियोलॉजी को जानना चाहिए, पैथोलॉजी को जानना चाहिए। और निश्चित रूप से डॉक्टर आलोक के मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ कि कार्डियोलॉजी में जो अटैक होते हैं वो बहुत ही कम समय मिलता है और सही समय पर उपचार नहीं होता है तो जिंदगी भर के लिए एक परेशानी होता है। तो इस संदर्भ में हम तो चाहते हैं, कई बार मैंने देखा कि जब आवश्यकता पड़ती है तो कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उनके अनुपलब्धता में वह मरीज मर जाता है। ऐसी स्थिति में जब आंकड़े पढ़े गए पूरे विश्व में, अभी मैं देख रहा था, नेट पे भी देख रहा था, पूरे विश्व में 17.9 मिलियंस पीपल
हर साल कार्डियक डिजीज से मरते हैं, या 31% होता है। इंडिया में ये 33% से ज्यादा है। 1985 में बंबई में कुल होने वाली मौत 53,000 में 18,000 केवल हृदय की बीमारी से मरे थे। तो कुल मिला जुला के ये हृदय की बीमारी, ये पुराना आंकड़ा मैंने प्रस्तुत किया, नया आंकड़ा भारत का मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि डॉक्टर आलोक जी और डॉक्टर मेहता जी का मैं सहयोग लेकर के एक शिविर चलाना चाहता हूं। इसके पहले प्रथम योग दिवस पर मैंने मधुमेह मुक्त भारत के लिए एक शिविर चलाया और मधुमेह के रोगियों को मैंने गोद लिया, उनको मधुमेह से संबंधित योग कराए, उनको परहेज कराए, उनका पहले ब्लड शुगर देखा गया और योग के पश्चात शिविर के समापन पर उन लोगों के फिर देखे गए और बहुत ही उत्साहजनक परिणाम आए। एक महीने के बाद तो उन लोगों ने बहुत ही हर्ष का अनुभव किया और दोबारा उस शिविर को मांग रहे हैं। बहुत दिनों से हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम कुछ प्रारंभिक कार्डियक पेशेंट को, जिनको अभी सीवियर अटैक नहीं हुआ है लेकिन उनके कोलेस्ट्रॉल भाग रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है और ओबेसिटी बना हुआ है इत्यादि इत्यादि, वो एक प्रकार से डेंजर जोन में खड़े हैं, ऐसे मरीजों को लेकर के हमारे अगर कार्डियोलॉजिस्ट सहयोग करें और डॉक्टर मेहता का उसमें सहयोग मिले तो मैं ऐसे लोगों को गोद लेकर के और उनके लिए योग का अलग से शिविर लगाने का पक्षधर हूं और करना चाहूंगा, मुझे उसमें रुचि होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आज के इस वेबिनार का मुझे एक उपलब्धि भी प्राप्त होगा और आरोग्य भारती कानपुर, अपने आरोग्य भारती काशी प्रांत के लिए यह एक अभिनव प्रयोग होगा कि हम कार्डियक पेशेंट को गोद लेकर के और कार्डियक से मुक्त कर दें योग के माध्यम से, लेकिन हम उनको वॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे, पैथोलॉजी के जांच से गुजारते रहेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास जब पैदा हो जाए तो इसका प्रचार प्रसार अपने आप होने लगेगा। मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और एक बात और, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी एक वैशिष्ट है। निश्चित रूप से जहां इमरजेंसी की बात आती है, पता चला कि 2500 जगह टूट गए, हड्डी टूट गई, सांस लेने में तकलीफ है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग से लेकर सारी व्यवस्था जहां एलोपैथिक बना लेता है, वहीं दीर्घायु के लिए आयुर्वेद और परमानेंट क्योर के लिए होम्योपैथी। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या तीनों मिलकर के असाध्य मरीज जिनको आप जवाब देना चाहते हैं उन पर कुछ प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? तो अगर तैयार है तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। सर जी, आपने तीन बातें बोली कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ, और आपने कहा कि आयुर्वेद जो है वो समूल चिकित्सा नहीं है, समूल चिकित्सा परमानेंट इलाज जो है आपका होम्योपैथ करता है, आपके यही वक्तव्य थे। और कल भी मैं वेबिनार में सुन रहा था कानपुर वाले में, मैं बता देना चाहता हूँ आयुर्वेद का जो क्षेत्र है बहुत ही डीप है, वो जड़ से मूल से रोगों को खींच के बाहर निकालता है, शायद इसीलिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और इसमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। इसका जो पंचकर्म वाला जो पार्ट है, जिसको हम संशोधन चिकित्सा करते हैं, दोषाह कदाचित उपपन्नते जिता लंघन पाचने, हम शमन चिकित्सा जो करते हैं औषधि के द्वारा, कहीं ना कहीं वो रोग दोबारा उत्पत्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पंचकर्म के द्वारा जिनका हम शरीर से बाहर उन्मूलन कर देते हैं वो दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं। और आयुर्वेद भी परमानेंट इलाज करता है, समूल इलाज करता है, ऐसा मेरा ऐसा मानना है एज अ आयुर्वेद छात्र होने के नाते, आयुर्वेदिक होने के नाते। अवनी जी, मेरा मन था ये नहीं था जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि चरक का मैं एक प्रकार से कह लें कि मैं भक्त हूँ और चरक ही पतंजलि के नाम से योग दर्शन भी लिखे हैं, दोनों एक ही विद्वान हैं। और चरक ने क्या लिखा कि त्रिगुण सत रज तम, तीन गुण हैं, सत जो है सुखात्मक, रज दुखात्मक, तम मोहात्मक है, और रज और तम के वृद्धि से रोग होता है
औषध गुण को हम बढ़ा करके रोग से विमुख हो सकते हैं। कहने का से ये है कि यह जो मूल तत्व है केवल औषधियों को नहीं, जब मन के उस गहराई में जाएंगे और उन गहराइयों में जाकर के जैसे योग है, तो योग केवल आसन प्राणायाम तक नहीं है। जब तक ध्यान धारणा समाधि में नहीं जाएंगे योग का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात अब एक जानकारी आपको दे दें, हम योग के विश्व सम्मेलन में गए जहां 34 राष्ट्र के और देश के 22 राष्ट्र के लोग प्रदेश के लोग आए, तो वहां एक बात छन के निकली कि एक बार शिवानंद जी एक मरीज को योग दमा के मरीज को सारे यत्न प्रयत्न करा के हार गए, उसका दमा नहीं ठीक हुआ, तो उसको योग निद्रा में ले गए और योग निद्रा में ले जाने के बाद वहां से लौटे तो उसका योग ठीक हो गया। कहने का से ये है कि योग के भी जब हम पराकाष्ठा में जाएंगे तब परमानेंट क्योर होगा। जो नहीं सर, सर, सर आप जो है अभी आपने योग की बात ही नहीं की थी, मैं बताना चाहता हूँ आप एलोपैथ आयुर्वेद और होम्योपैथ का आपने कंपैरिजन किया, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर पैथी का भी आप ही ने कहा कि हर पैथी की अपनी एक विशिष्टता है और हमें बिना कंपैरिजन किए बिना किसी को कुछ कहे अपने अपने कार्यों के द्वारा सिर्फ समाज की सेवा करनी है, क्योंकि हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, आरोग्य भारती के प्लेटफॉर्म पे आना है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सबकी अपनी विशिष्टता है जी। डॉक्टर सुनील सर आपको अनम्यूट किया है, सर आप बोलो। और सर मैं इससे जी सर आप अनम्यूट हैं। धन्यवाद डॉक्टर अवस्थी जी। होम्योपैथी बहुत प्यारी चिकित्सा पद्धति है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। होम्योपैथी का योगदान राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। होम्योपैथी भले ही बाहर से आई है लेकिन भारतीय रहन सहन में पूर्ण रूप से रच बस गई है, ये हम सभी लोग महसूस करते हैं। कितना योगदान है ये तो जो मरीज है या जो पेशेंट है वो अधिक उचित बताएगा, लेकिन अच्छा आपका संभाषण रहा, आपके संभाषण से संभवतः लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिला। अब इस कार्यक्रम में सब वक्ता अपने अपने वक्तव्य जाहिर कर चुके हैं, अब समापन की बेला है। इस समापन की बेला में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे जी जो सचिव हैं मिर्जापुर संभाग के आरोग्य भारती की दृष्टि से, मैं उनको आमंत्रित करूंगा सबके धन्यवाद के लिए। डॉक्टर अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय आपका, धन्यवाद इसके पहले भी मैं दे ही चुका हूं, अब मात्र औपचारिकता मात्र ही रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वाषर्णे जी भाई साहब का, हमारे पूर्वी क्षेत्र संयोजक माननीय श्री गोविंद जी भाई साहब का, जो आप सभी के मार्गदर्शन में लगातार ये हम चौथी या पांचवीं वेबिनार कर रहे हैं। इसके पहले मानस रोग पे काशी प्रांत के द्वारा वेबिनार हो चुका है, फिर अभी हम लोगों ने वुमेन हेल्थ पे बहुत अच्छा वेबिनार किया, वर्कशॉप किया था, और आज ये हार्ट डिजीज पे, और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा वेबिनार गया क्योंकि इतने अच्छे वक्ता आज के वेबिनार में थे और जनमानस को फेसबुक आयुष दर्पण पे जो लाइव हुआ काफी उनको जो है हार्ट डिजीज के बारे में जानकारी मिली होगी। मैं वैसे सभी का नाम ले चुका हूँ, अगर किसी का नाम छूटा हुआ मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे साथ श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर से डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा सर हमारे साथ थे, हम आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी गणमान्य इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता डॉक्टर मेहता सर, डॉक्टर आलोक सिंह सर, डॉक्टर जीपी अवस्थी सर, हमारे अध्यक्ष काशी प्रांत के डॉक्टर इंद्रनील बसु सर, हमारे सचिव डॉक्टर सुनील मिश्रा सर, डॉक्टर विपुल नारायण जी, डॉक्टर मीनाक्षी मैम, आप सभी का, जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, विशेष रूप से मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर का धन्यवाद देता हूं। अभी मुझे सामने डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह भी सर, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का हृदय के गहराइयों से मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा सर, सर आप अब औपचारिक समापन होना है। औपचारिक समापन के लिए काशी प्रांत के ट्रेजरा कोषाध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ वर्मा जी से आग्रह करूंगा शांति पाठ के लिए। श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी
सर कृपया अपना हाथ रेज कर देंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे सर। जी मौजूद हैं, कृपया अपना हाथ कराया नहीं है विश्वनाथ नहीं है सर ठीक है मैं ही समापन कर दे मैं सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः एक लाइन में बोलूंगा उसके बाद सब लोग दोहराएंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निराम सर्वे संतु निराम ओम शांति 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 धन्यवाद सभी लोगों का अर्पित भारतीय पार्टी प्रांत की तरफ से आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय आज के सेमिनार में दिया हम सभी लोग आभारी हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन मिश्रा सर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभी अभी दिखे हैं सर अगर किसी का नाम छूट गया मैं पूरा क्षमा चाहता हूँ धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद